हाँ, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सभी, बताइए। चल, काफी अच्छे होंगे, है ना। आप सभी को शाम की प्यार भरी नमस्कार। देखिए, हमने ये डिसाइड किया था कि जो हमारे पेपर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनकी रिवीजन क्लास हम लगाएं। तो पेपर नंबर फर्स्ट रियल एनालिसिस की जो रिवीजन क्लास है, वो हमने एक कल यूट्यूब पे लगाई थी। हमारा उद्देश्य वहाँ पर कल क्लास लेना नहीं था, लेकिन थोड़ा टाइम बच रहा था, इसलिए हमने वहाँ पर थोड़ी सी क्लास ले ली थी। हमारा वहाँ पर ऑब्जेक्ट उद्देश्य केवल इतना था, कि वहाँ पर जो एग्जाम में जो पेपर पैटर्न, किस तरह से आपको वहाँ क्वेश्चंस करने हैं, हमें केवल और केवल उसके बारे में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी, बस। ठीक है ना, आइए। आप थोड़ा रिविजन क्लास है तो ध्यान रखना, थोड़ा सा आपका केवल एक काम है, और आपका काम क्या है, केवल और केवल आप लोगों को सुनना है, बस। लिखना कुछ है नहीं। रिवीजन का मतलब क्या होता है, केवल सुनना होता है। लिखने के लिए हम जुलाई से लिखते आ रहे थे, ठीक है ना। तो आप उन चीजों को रहने दीजिए। अब केवल और केवल ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा। और जो ये हमारी यूनिट नंबर सेकंड है, रियल सीक्वेंस वास्तविक अनुक्रम, यहां से आपको थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, चारों क्वेश्चन मिलेंगे। अगर कुछ इसमें एक्स्ट्रा में देना होगा, अगर आपको प्रोवाइड करवाना होगा, तो हम करवा देंगे। आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ठीक है ना। और हमारे पास मेरा यूनिट नंबर सेकंड और थर्ड, मान लो कोई भी स्टूडेंट आप में से यूनिट नंबर सेकंड और थर्ड को प्रिपेयर करता है, दोनों प्रिपेयर करता है, तो आपके पास में 8 क्वेश्चन बनते हैं, और उन 8 में से केवल और केवल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। केवल और केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। तो आप नो टेंशन हो जाइए, क्योंकि ऐसा कोई आर्ड एंड फास्ट एग्जाम होने वाला नहीं है, काफी आसान एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, आइएगा। हाँ, तो कल हमने क्लास स्टार्ट की थी, तो हम वहां पर लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन तक पहुंच चुके थे। कहाँ तक? लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन तक हम लोग पहुंच चुके थे। सुन लीजिएगा, ये नोट्स आप में से किसी एक स्टूडेंट के हैं, मैं नोट्स ना तो देता हूँ, ना ही मैं रखता हूँ, और ना ही मैं नोट्स से पढ़ाता हूँ। ये मजबूरी है कि रिवीजन क्लास में हमें नोट्स हमारे पास में होना, मतलब बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। ये आप मेरी मजबूरी समझ लीजिए, क्योंकि रिवीजन रिवीजन के हिसाब से ही होता है, ठीक है ना। आइए, यहाँ सभी देखिएगा। हाँ, अरे अतुल भैया, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है भैया, लाइव क्लास है। अतुल भैया, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लास है। आप बताइए, हम मतलब किस तरह से आपको मतलब प्रमाण दें कि ये जो क्लास है, ये बिल्कुल लाइव है, बोलिएगा आप लोग। तो ये हमारा नंबर सिस्टम। हाँ, तो ये हमने कल स्टार्ट किया था, तो ये हमारा हो गया था, बड़ा हमारे पास में ये हमारा हो गया था कि हमने रियल सीक्वेंस में सीक्वेंस डिफाइन कर लिया, रियल सीक्वेंस डिफाइन कर लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस सीक्वेंस हमने सीख लिया था। उसके बाद में हमने एक बड़ा टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीख लिया था, एक निरंतर वर्धमान, ठीक है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीख लिया था, एकदिष्ट वर्धमान, सिमिलर बड़ा ह्रासमान होता है, डिक्रीजिंग होता है, क्लियर ना। और हम जनरली इसको ग्राफ के द्वारा क्लास में समझाते हैं, तो ये हमारे पास में इसके ग्राफ हैं, ठीक है ना। ये शायद आपके पास में भी लिखे हुए होंगे, जिन बच्चों के पास में नोट्स है उन्हें मिल रही होगी, ठीक है ना। चले आगे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ चलिएगा थोड़ा। ये हमने यहाँ से कांस्टेंट सीक्वेंस पढ़ लिया था, आइडेंटिटी सीक्वेंस हमने पढ़ लिया था, इक्वल सीक्वेंस हमने सीख लिया था, बाउंड ऑफिस सीक्वेंस हमने पढ़ लिया था कल की क्लास में, ठीक है ना, और लोअर बाउंड, अपर बाउंड और बाउंडेड सीक्वेंस हमने डिफाइन कर लिया था, ठीक है। क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, अभी मैं केवल इसको अप डाउन कर रहा हूँ बस, क्योंकि ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। जहां से आपको हमें दिखाना होगा, कि वहां से हम बिल्कुल सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे, आराम आराम से मस्त होके पढ़ेंगे, ठीक है ना।
मैंने बोला अगर आपने रियल एनालिसिस को पढ़े हुए आपको 4 महीने हो गए ना, तो आपके पास में केवल और केवल आप नोट्स का बंदोबस्त कर लीजिएगा, बस नोट्स ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ, और सुन लीजिएगा आप लोग, बड़ा आप लोग सभी चैट बॉक्स को वहां से हटा दीजिएगा, जो चैट बॉक्स आपके पास में चल रही है उसको वहां से हटा दीजिए आप लोग, जो क्लास है आप उसको फुल स्क्रीन पे लेके आइए। अब समस्या ये है कि आपको चैट बॉक्स भी चाहिए साथ में। नहीं भैया, हमें केवल पढ़ना है, केवल और केवल पढ़ना है, वरना यहाँ से हम लाइव क्लास में चैट बॉक्स को डिसेबल कर देंगे, ध्यान रखना। आइए, ये हमने कल कर लिया था। चलिए यहां से, हाँ जी आइए, चलिए यहां से आप लोग। बेटा हमने कल लास्ट में डिफाइन किया था हमारे पास में लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, अनुक्रम का सीमा बिंदु, और हम जो जर्नली है ना, जो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस है, हम उसको 3 वे में डिफाइन करते हैं। पहला वे हमारे पास में होता है अगर कोई भी नंबर मेरे पास में अगर सीक्वेंस में इनफिनाइट टाइम्स अगर रिपीट करता है, तो वो जो पॉइंट है वो हमारे पास में किसको डिफाइन कर जाएगा, या जो नंबर है किसको डिफाइन कर जाएगा बेटा, लिमिट पॉइंट को डिफाइन कर जाएगा। तो यहां से हम इसको सीखने के लिए, और इंग्लिश वाले बच्चे विशेष तौर पे ध्यान रखे, या पीडीएफ बेटा मैं दोनों वे में तो चला नहीं सकता ना, लेकिन मैं टर्म्स पूरी की पूरी डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफाइन करूंगा, क्लियर? तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, बस आप लोग सभी अपने सामने इंग्लिश मीडियम के नोट्स रख लीजिएगा, बस आप में से जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है वो चलें। हाँ जी राकेश जी, कोई दिक्कत? हाँ, तो बड़ा लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है ना? तो हम सबसे पहले कि जो इनफिनाइट टाइम्स उसमें रिपीट करे, पुनरावृत्ति करे, -1 की पावर n में -1 1 -1 1 -1, तो -1 और 1 इसमें इनफिनाइट टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब -1 और 1 हमारे इसमें लिमिट पॉइंट हो गए, क्लियर ना? तो ये डेफिनेशन है और ये इसका हमारा एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल हम बहुत सारे दे सकते हैं, लेकिन हमें अभी जिस चीज की आवश्यकता है हम केवल वही देंगे, डेफिनेशन प्लस एक एग्जाम्पल, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बेटा, उसके बाद में डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2 हमारे पास में क्या, सुन लीजिएगा, जैसे हमने बताया था कि हमारे पास में मान लीजिए, जैसे हम यहाँ पर 1/n का कार्य करते हैं, 1/n है हमारे पास में, यहाँ हम x1 1 लेते हैं, तो हमारे पास में x1 जो उसका फर्स्ट टर्म है प्रथम पद, वो 1 बनेगा, x2 1/2 बनेगा, x3 1/3 बनेगा, डॉट डॉट ये। तो हम यहाँ देखिएगा आप लोग, बेटा ये 1/2 हुआ, ये मेरे पास में यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में 1 है, ये 1/2 x2 हुआ, बड़ा उसके पश्चात 1/3 मिलेगा, 1/4 मिलेगा। तो आप ये देख लीजिए, ये 0 के आसपास आपको सीक्वेंस के बेटा कितने टर्म्स मिलेंगे, बेटा इनफिनाइट टर्म्स मिलेंगे, अनंत पद मिलेंगे। तो हम कैसे डिपेंड करते हैं उसको, एक वास्तविक संख्या एल्फा अनुक्रम एक्स एन का सीमा बिंदु कहलाती है, यदि एल्फा अपने प्रतिवेश में अनुक्रम एक्स एन के अनंत मान ग्रहण करती हो, ठीक है ना? मतलब मेरे पास में या अपने प्रतिवेश में अनुक्रम एक्स एन के अनंत मान रखती हो, जिस भी वे में आपको बोलना अच्छा लगे, अपनी लैंग्वेज भी बना लीजिएगा आप लोग। एरियल नंबर एल्फा इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस एक्स एन इफ नेबरहुड ऑफ एल्फा एन बी डी ऑफ एल्फा नेबरहुड ऑफ एल्फा कंटेन्स इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मेरे पास में, या इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एक्स एन, बेटा उसके बाहर में जो बचते हैं वो हमारे पास में केवल और केवल फाइनाइट होंगे, केवल और केवल क्या होंगे, परिमित होंगे, ठीक है ना? तो वही डेफिनेशन आपके सामने, एक वास्तविक संख्या एल्पा अनुक्रम एक्स एन का सीमा बिंदु कहलाती है जो भी है, यदि एल्पा अपने प्रतिवेश में उसने टर्म्स लेफ्ट कर दिए कितने, फाइनाइट, अगर एल्पा अपने प्रतिवेश में अनुक्रम एक्स एन के अनंत मान ग्रहण करती है, क्लियर?
तो ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस एक्स एन इफ नेबरहुड ऑफ अल्फा नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एक्स एन। क्लियर? इसका सबसे सिंपल एग्जांपल रहता है 1/n हमारा, आप इसको यहां अच्छे से देख सकते हो। चले आगे यहां से दूसरा। तो ये डेफिनेशन नंबर 2 है। डेफिनेशन नंबर 3 पे आते हैं मैडम लो। हाँ जी, ये बच्चे ने, जिस भी बच्चे के नोट्स हैं उसने काफी मेहनत करी है नोट्स बनाने में, तो हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उसको। वैसे हम किसी को धन्यवाद देते नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इस बच्चे को धन्यवाद देने के पीछे दो कारण है। पहला, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनकी मदद हो रही है। दूसरा, उसने नोट्स बनाने में खूब मेहनत करी है, ठीक है ना। अब आइए आप लोग यहाँ नेबरहुड देखिएगा। नेबरहुड को भी वो डिफाइन करवा सकता है, ध्यान रख। जैसे हमारे पास में हमारा घर है, क्या बेटा हमारा घर है, जैसे मान लीजिए ये हमारा घर है, हम किसी गांव में रहते हैं, ठीक है ना, और उस गांव में हमारा ये घर है, होम है, ये हमारा इसके जस्ट पास में एक होम और है, ये एक और होम है, किसी और का पड़ोसी का घर है हमारा, ये दूसरा यहाँ पर, इसके बाद में इधर है, और मान लीजिए यहाँ पर कोई आपके जस्ट गांव के पास में दूसरा गांव है। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि इस गांव का ये जो होम वाला है ना, जो मकान वाला सदस्य है, ये हमारा पड़ोसी है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना हम लोग, बिल्कुल नहीं बोल सकते। हाँ, हम अपने कुछ लेफ्ट और कुछ राइट को सम्मिलित करके बोल सकते हैं कि ये हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर है, बड़ा हमारे पास में पॉइंट है ए, हमें इसका प्रतिवेश ढूंढना है, इसका नेबरहुड पहचानना है। हम थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे, थोड़ा सा राइट में जाएंगे, यहाँ पर हम एक नंबर बड़ा पहचानते हैं, जानते हैं, एप्सिलॉन। क्या है एप्सिलॉन? जो एप्सिलॉन है ना, इसकी वैल्यू होती है अल्प धनात्मक संख्या। आवश्यकता पड़ने पर हम इसको टेंस टू जीरो भी कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर एप्सिलॉन इक्वल टू वन भी ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। वो आपको पता होगा कहाँ हम टेंस टू जीरो करते हैं, कहाँ हम वन करते हैं, कहाँ हम लोग 1/2 करते हैं। जिस तरह की रिक्वायरमेंट हमें महसूस होगी, हम उस तरह से एप्सिलॉन को ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये ए का नेबरहुड हुआ हमारा, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन। लेफ्ट के कुछ घर, राइट के कुछ घर, हमारे वो पड़ोसी हो गए, नेबरहुड हो गए, ठीक है ना। सिंपल लैंग्वेज में सीखिएगा। चले यहाँ से आगे। अब नेक्स्ट बड़ा हमारा डेफिनेशन नंबर 3, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। आइएगा आप लोग यहाँ सभी। हाँ आइए, हाँ सुनिएगा आप लोग सभी, यहाँ सभी बेटा इधर आइएगा। हम जो डेफिनेशन नंबर 3 डिफाइन करने वाले हैं ना, वो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, गणितीय परिभाषा है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस की, अनुक्रम के सीमा बिंदु की, ये हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन है। क्लियर? आइएगा आप लोग सब यहाँ देखिएगा। तो बेटा जैसे हमारे पास में यहाँ पर ये मान लीजिएगा आप लोग, जैसे ये हमारे पास में मान लो कि कोई भी एक पॉइंट अल्फा है हमारा, ऐसे मन किया हमने ले लिया अल्फा, ठीक है ना। इसके हमारे पास में इधर की साइड अल्फा माइनस एप्सिलॉन, या हम ऐसे कह सकते हैं, यहां देखिएगा ये हमारे पास में हुआ अल्फा, यहां आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा उधर अल्फा माइनस एप्सिलॉन, थोड़ा सा राइट में अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो अब हम जो बोल रहे हैं वो सुनना आप लोग, जिस तरह से आपने ये देखा था अभी 1/n में बेटा, हमने 1/n में ये कभी कैसे चल रहा है, हाँ 1/n में ये देखा कि x1 है, x2 1/2 है, उसके सभी टर्म्स जीरो की ओर भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मीनिंग जो जीरो है ना, वो अपने नेबरहुड में कितने पॉइंट लेके आ रहा है, उसके इनफिनाइट पॉइंट, बाहर कितने छोड़ रहा है, फाइनाइट। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ,
एक वास्तविक संख्या एल्फा अनुक्रम एक्स एन का सीमा बिंदु कहलाती है। यदि किसी दिए हुए एप्सिलॉन अल्प धनात्मक संख्या के लिए या एप्सिलॉन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, नेबरहुड बनाने के लिए, प्रतिवेश के लिए, ठीक है ना। ए रियल नंबर एल्फा इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एक्स एन, ठीक है ना। इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर, जो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कब उसको किस तरह से अरेंज करना है। क्लियर। तो यहां से हमारे पास बड़ा जो नेबरहुड है वो हमारे पास में सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं एल्फा माइनस एप्सिलॉन और एल्फा प्लस एप्सिलॉन, उसमें कितने आ गए बेटा, इनफिनाइट लिखा हुआ है, एन के अनंत मानों के लिए, फॉर इनफिनाइट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है ना। जैसा हमने आपको कल बताया था बेटा, ये एल्फा इधर आएगा तो माइनस एल्फा बन जाएगा, और मॉडुलस के लिए हमने बताया था कि अगर मोड एक्स लेस देन एंड इक्वल ए है तो हम उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, माइनस ए लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू ए, तो हम इसको ऐसा लिख पाएंगे, ठीक है ना। ये याद होनी चाहिए, लिमिट पॉइंट की मैथमेटिकल डेफिनेशन, गणितीय परिभाषा यूज होगा रिपासमिक सीक्वेंस के कन्वर्जेंट। सुन लीजिए सभी आप लोग, यहाँ सीक्वेंस एक्स एन के कन्वर्जेंट होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन में, आवश्यक और पर्याप्त शर्त में इसका यूज होगा, वो तब देख लेंगे हम लोग, उसकी चिंता छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से लिमिट पॉइंट हमारा यहाँ क्लियर होता है, यहाँ से चले आगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम जो बात करेंगे बेटा वो करेंगे लिमिट की, यहाँ लिमिट सीमा। बेटा ये हमारे पास में इसकी डेफिनेशन है, हाँ आज हमें राकेश जी की मतलब ये मान के चलिए बहुत बातें माननी पड़ रही है, मजबूर होके माननी पड़ रही है। हाँ, अनुक्रम की सीमा लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। बेटा हम लोग करते क्या हैं, जैसे हमारे पास में ये तो इसकी डेफिनेशन है, लेकिन जब हम इसको पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि डेफिनेशन कैसे बनती है। क्लियर, देख लीजिएगा आप लोग थोड़े समय के लिए बस। हाँ, जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास में जैसे सीक्वेंस के टर्म्स हैं एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, एक्स फोर है, ऐसे है, डॉट डॉट करके हमने छोड़ दिया, ठीक है ना। हाँ बेटा, हमने ऐसे एक नंबर लिया अल्फा, हमारा मन किया तो हमने ले लिया, ठीक है ना। एक नंबर ले लिया मैंने अल्फा, देखो मेरी बात सुनेगा आप लोग, शंकर लाल भैया अब आपको क्या है कि आम खाने के साथ साथ उसकी गुठली पर भी आपका खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना है ना, तो आप ये करिए बेटा वो चैटिंग बॉक्स को हटा दीजिएगा, ठीक है ना। और आपके पास में नोट्स भी हैं तो आप थोड़ा सा उनको देख लीजिएगा, ये लो, वो आपको फिर थोड़ा सा ये है कि बार बार हमें देखना पड़ेगा इसको, ये लो, आप कहो तो हम इसको और थोड़ा सा और बढ़ा दें, फिर मालूम चला कि जे आंसर बोर्ड से आउट हो गए हैं यहाँ, केवल आपको यहाँ पीडीएफ नजर आ रही है, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है, बस मुस्कुराते रहा करो आप लोग। हाँ सुनीता, आप हमें कॉल कर लीजिए बेटा जब तक हमारी क्लास चलती है। जैसे मैंने बोला क्लास आज हम यूनिट नंबर सेकंड का कल्याण करेंगे, मतलब उसका समापन करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। अब 3 आवर्स लगते हैं, 4 आवर्स लगते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ में कोई भी गलत कमेंट नहीं करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैंने बोल दिया कि मुझे तीनों पेपर का रिवीजन करवाना है, मतलब करवाना है, तरीका कोई भी हो, फिर वो साम दाम दंड भेद कैसा भी हो। हाँ बेटा, तो हमने यहां सीक्वेंस थी हमारे पास में एक्स एन, ठीक है ना। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कभी, ये कैसे, ये हमें पता नहीं कैसे चल रहा है। हाँ
इसके टर्म्स एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, एक्स फोर है। तो मेरा क्या हुआ, एक मेरा मन किया, मैंने एक नंबर लिया अल्फा, एक वास्तविक संख्या ली मैंने अल्फा, एक मैंने रियल नंबर लिया अल्फा, ठीक है ना। बड़ा तो मैंने ये देखा कि एक्स वन माइनस मैंने अल्फा किया, एक्स टू माइनस मैंने अल्फा किया, मोड अवश्य लगा लीजिएगा। मान लो ये मेरे पास में ग्रेटर एप्सिलॉन आया, मोड एक्स टू माइनस अल्फा ग्रेटर देन एप्सिलॉन आया, आ सकता है। मोड एक्स थ्री माइनस अल्फा ग्रेटर देन एप्सिलॉन आया, लेकिन जैसे मैं यहां पर एक्स फोर माइनस अल्फा मैंने किया, बेटा मेरे पास में लेस देन एप्सिलॉन। इसके आगे आने वाले सभी टर्म्स के लिए एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, डॉट डॉट सॉन, तो हमारे पास में बेटा सभी के लिए लेस देन एल्फा होगा मॉडुलस की वैल्यू। तो हमारे पास में जो पॉइंट एल्फा है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट एल्फा है हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, वो आप डेफिनेशन में आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। हाँ सुनिएगा बेटा, दो चीजें यहां। एक तो हम ये जैसे इसमें एक्स फोर आया था कि सर एक्स फोर माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन बना, मतलब कि हमने एक तो उसका टर्म्स ढूंढा कि कौन से टर्म से वो लेस देन एप्सिलॉन बनने के लिए तैयार है, उससे पहले वाले तो है नहीं, उसके बाद वाले होंगे। तो यहां दो चीजें हैं बेटा, ये हमारे पास में एल्फ, ये एक्स फोर है, मतलब हम ये यहां पर एक्स एन होता है तो हम इसको एन बोल सकते हैं। तो हम यहां सबसे पहले एक नंबर ढूंढेंगे जो एक्स एन में चलता है, एन इक्वल वन टू थ्री फोर फाइव, वो ढूंढेंगे कि जहां पर ये पट्टी सेटिस्फाई हो जाए, लेस देन अल्फा मोड एक्स फाइव माइनस अल्फा लेस देन अल्फा, मोड एक्स सिक्स माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, जो भी है जैसा भी है। तो दो चीजें यहां हमारे पास में, हमें बेटा एक नंबर लेना होगा, ठीक है ना, एक अल्प धनात्मक संख्या, एक मेरे पास में यहां स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, वो तो लेना ही होगा, और दूसरा वो एन में फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। आप लोग केवल और केवल सुनिए, स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप, मुझे पता है कब बढ़ानी है, और वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। अब ऐसा भी है नहीं कि हम डायरेक्ट 100 की स्पीड पे पैर रख दे, जीरो पे चल रहा है, ऐसा भी नहीं होगा, आपको एहसास भी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए वो मालूम चल जाएगा जब मैं मतलब अपने खुद के रोल में होता हूं, फिर कैसे पढ़ाता हूं देख लेना आप लोग। हाँ तो एक वास्तविक संख्या अल्फा अनुक्रम एक्स एन की सीमा कहलाती है, यदि किसी दिए हुए अल्प धनात्मक संख्या एप्सिलॉन, भाई एप्सिलॉन मुझे मालूम होगा तभी तो मैं मोड की वैल्यू किससे लेस किससे ग्रेटर करनी है ये मालूम रहेगा मुझे, बोलो हाँ या ना। तो मेरे पास में ये सीमा कहलाती है, यदि किसी दिए हुए अल्प धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के संगत, मेरे पास में एक नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या एन नोट का अस्तित्व है, वो एन नोट वो है जो इसमें चार है, ढूंढना होता है हमें, ठीक है ना, कि जहां से वो लेस देन एप्सिलॉन कवर करते हुए चले। क्लियर। तो हमारे पास में जो एल्फा है वो उसका क्या कहलाता है, लिमिट कहलाती है सीक्वेंस एक्स एन की, मोड एक्स एन माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन कोमा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यहां पर हमारे पास में जो एन नॉट आएगा वो थ्री आएगा, क्योंकि एन की वैल्यू अगर तीन से ज्यादा होगी, एन ग्रेटर देन तीन होगा, तब हमारे पास में हमेशा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब मैं चलो यहां से आगे चल सकता हूं ना, चल सकता हूं ना, एन ग्रेटर क्या आएगा बेटा हमारे पास में यहां से थ्री आए, चले चलिए आगे बढ़ो। हाँ सुन लीजिए आप लोग, बेटा आप में से बहुत सारे स्टूडेंटों ने सेकंड यूनिट प्रिपेयर नहीं करी है, आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं चारों यूनिट का रिवीजन कराऊंगा, जैसे मैंने कल बोला था वैसे के वैसे चलेगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग बेटा, इसके बाद में सीक्वेंस की लिमिट के बाद में, अनुक्रम की सीमा के बाद में, हम दो टाइप की सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, एक ऑक्सिलेटरी और आती है लेकिन हमारा उसे कोई तालमेल नहीं रहता है, केवल हम उसको डिफाइन करके छोड़ देंगे। किसके आधार पर बेटा, लिमिट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट, ध्यान रखना। सबसे पहले होती है हमारे पास में कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अभिसारी अनुक्रम।
तो हमारे पास में बड़ा अभिसारिक का मतलब होता है, कन्वर्जेंट का मतलब होता है चीजों का सिकुड़ना, और डाइवर्जेंट मतलब होता है विस्तारित फैलना, ठीक है ना। तो एक वास्तविक अनुक्रम xn या एक अनुक्रम xn हमारे पास में अभिसारी अनुक्रम कहलाती है यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी xn बराबर एक फाइनाइट नंबर हमें मिले, एक परिमित संख्या, ठीक है ना। ए सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर फाइनाइट नंबर, परिमित संख्या, ठीक है ना। और अगर ये बातचीत हम अगर डाइवर्जेंट के लिए करें बेटा, तो जो लिमिट है ना वो हमारे पास में या तो प्लस इन्फिनिटी दे या हमें माइनस इन्फिनिटी दे, तो जो सिक्वेंस एक्स एन है वो हमारे पास में डाइवर्जेंट बन जाती है। और मान लीजिए हमारे पास में अगर सीक्वेंस हमें ऐसी मिली, अगर हमें ऐसी मिली कि -1 की पावर n, हमने इस पे लिमिट लगाई बेटा n टेंड्स टू इनफिनिटी हमारे पास में, तो आपको पता है ये दो लिमिट देता है -1 और +1, क्लियर ना। तो इस टाइप की सीक्वेंस को बोलते हैं ऑक्सिलेटरी, ठीक है ना, दोलायमान, ऑक्सिलेटिंग दोलायमान, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते। चले यहां से आगे, तो तीन टाइप, यहां कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑक्सिलेटरी। कन्वर्जेंट अभिसारी, लिमिट फाइनाइट होगी, सारी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, थ्योरम्स में काम में आएंगी इसलिए। डाइवर्जेंट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। ऑक्सिलेटरी क्या होगा, -1 और +1 वो लिमिट दे सकता है। ये रहा आपका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप 1/n ले सकते हो, लेकिन वैसे 1/n हमारे पास में कन्वर्जेंट नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हम बताएंगे आगे कि 1/n कन्वर्जेंट क्यों नहीं होती है। तो हमारे पास में यहाँ से 1 + 1/n है, तो हमारे पास 1, तो हमारे पास में जो सीक्वेंस है वो क्या हो गई, कन्वर्जेंट। अगर हम बेटा एक्स एन बराबर अगर एन लेते हैं, तो मतलब अगर ये सीक्वेंस ले तो इसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी होगी, तो हमारे पास में डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर सीक्वेंस -1 की पावर n लेंगे तो हमारे पास में ऑक्सीलेटरी या ऑक्सीलेटिंग बन जाएगी। चलें आगे बढ़ो। ये डाइवर्जेंट हो गया, ये दोलायमान हो गया, ऑक्सिलेटरी, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां से, हमारा काम क्या है वही हमें सीखना है बेटा यहां। हाँ जी सुनिएगा, पूरा बंद कर लो। हाँ बड़ा नोट हमारा पहला है, हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब 2 से 3 मिनट के पश्चात आ जाएंगे। आपको एक सीक्वेंस मिलेगी और आपको प्रूफ करना होगा कि जो सीक्वेंस अनुक्रम एक्सएन है ना, ये एल को कन्वर्ज करती है, अभिसरित करती है, ठीक है ना। उसका मतलब है कि वो उसकी लिमिट है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या ज्ञात करना होता है बेटा, एन नॉट, और जो एन नॉट होता है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड होता है, ध्यान रखना, डेफिनेशन में था वहां। एन नॉट किस पर डिपेंड होता है, एप्सिलॉन पर डिपेंड होता है। और हम जो जब हम लिमिट डिफाइन करते हैं तो बड़ा हम वहां से एन नॉट ही ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे से जो हम काम करने वाले हैं वो देख लीजिए। अगर सीक्वेंस एक्स एन अगर एल को अभिसरित करती है, कन्वर्ज करती है, तो उसका मीनिंग हम क्या लेके चल सकते हैं, उसका मीनिंग उसकी वो लिमिट है, सीमा है एल। यहां तक बात क्लियर। उसके बाद में हमारे पास नोट नंबर सेकंड है ना, अगर मोड एक्स एन माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन ये होगा, इसका मतलब ये हमारे पास में लिमिट की डेफिनेशन है, इसका मतलब जो एल्फा है वो इसकी लिमिट है। अगर लिमिट है तो मैं डेफिनेशन लगा सकता हूँ, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तुल्य है, क्लियर। तो मेरा मेरे पास में 2 चीजें हैं, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि हमारे पास में जो सीक्वेंस है ये मेरे पास में कन्वर्जेंट है या एल्फा को कन्वर्ज करती है, ठीक है ना, तो वहां पर हम ये दोनों वर्ड एक दूसरे के तुल्य बता सकते हैं, मतलब मोड एक्स एन माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, ठीक है ना मेरे पास में। उसके बाद यहां से अगर ऐसा है इसका मतलब एल्फा उसकी लिमिट है, और अगर लिमिट है तो ऐसा है। यहां तक बात क्लियर। ये जो नोट है बस इन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। नोट नंबर 3 हमारा क्या है बड़ा, 2 चीजें हैं हमारे पास में,
पहली बात सुन लीजिएगा आप लोग, यहां जैसे हमारे पास में यहां पर -1 की पावर एन है, -1 की पावर क्या बेटा एन है, ठीक है ना बेटा, इसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होता, -1 +1 देगा वो। लेकिन आप देखिए इसमें दो लिमिट पॉइंट है, -1 और +1, ठीक है ना, लिमिट पॉइंट सीमा बिंदु कितने, दो, -1 और +1, लेकिन इसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कंफर्म हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट पॉइंट जो है वो लिमिट हो जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना, अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो लिमिट है ना वो लिमिट पॉइंट बनेगा, इस बात की गारंटी है। बस वो दो चीजें हैं यहाँ, लिमिट अगर हमारे पास में है तो हमारे पास में लिमिट पॉइंट बन जाएगा, 1/n की अगर हम लिमिट निकालना चाहें तो जीरो आएगी, तो वो उसका लिमिट पॉइंट है। और अगर लिमिट पॉइंट -1 की पावर n के दो लिमिट पॉइंट है, -1 और 1, लेकिन उसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हमने कर दिया यहां से, लिमिट पॉइंट डज नॉट इम्प्लाई मेरे पास में लिमिट। एग्जाम्पल साथ में लिखा हुआ है, ठीक है ना, चले यहां से आगे आगे बढ़ते हैं। जी ये लिखा हुआ है कि अनुक्रम की सीमा सीमा बिंदु भी होता है, होती है, होता है, जो भी है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य हो आवश्यक नहीं है। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज ऑलवेज लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दैट मीन्स वी कैन नॉट से दैट, अगर हमारे पास में सीक्वेंस एक्स एन का अगर कोई लिमिट पॉइंट होगा तो वो लिमिट हो कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल -1 की पावर है, ठीक है ना, तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए, हम वापिस रिवाइज कर देंगे उसको। बोलिए राकेश जी, यहां तक आप में से किसी भी विद्यार्थी को, हमारे स्टार मैथमेटिक्स परिवार के किसी भी सदस्य को जो अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम देने वाले हैं, प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हो यहां, ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। हाँ जी बड़ा, ये हमारे क्वेश्चन आ गए। हाँ सुनिएगा, ये हमारे क्वेश्चन है बेटा, और यकीन मान के चलिए हम इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास में इसमें हम लोग जो करेंगे ना 5 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, उनमें से पहला टाइप हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत है, पहला टाइप हमारे सामने आ चुका है, क्लियर। थोड़ा हमारे पास में यहाँ से ये हमारे पास में अनुक्रम की सीमा का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए, ये जो सीक्वेंस है ये 3 को कन्वर्ज करती है, ये 1/2 की पावर n है 0 को कन्वर्ज करती है, ये x की पावर n है 0 को कन्वर्ज करती है, इस सेकेंड ईयर के लेवल के हिसाब से चल रहा है, ध्यान रखना जेम वाले बच्चे इनमें कंफ्यूजन उत्पन्न ना करें। चले यहां से आगे। हाँ जी सबसे पहले हम इसके लिए वार्तालाप कर लेते हैं बेटा, कि हमारे पास में 3 को कन्वर्ज करती है, इसका मतलब उसकी लिमिट है 3। अगर लिमिट है, हमारे पास में लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है पता आपको बेटा, ये कि xn माइनस एल्फा मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, और एन कॉमा एन नॉट बिलोंग टू मेरे पास में नेचुरल नंबर एन, ऐसी होती है ना, हमारे पास में सीक्वेंस एक्स एन गिवन होगा, ये एल्फा भाई हमारे पास में होगा, भाई किसको कन्वर्ज करती है, कौन उसकी लिमिट है, गिवन तो है ना वहां, ठीक है ना, और ये एप्सिलॉन ये तो हम लेके चलते ही चलते हैं, दिए दिए गए अल्प धनात्मक संख्या मतलब वो हमें मालूम होती है, ठीक है ना, तो हमारे पास में यहाँ अननोन बेटा कौन बच रहा है, एन नॉट। तो अगर हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में कि ये सीक्वेंस है ये इस पॉइंट को कन्वर्ज करती है, अभिसरित करती है, इसका मतलब आप उसमें लिमिट की डेफिनेशन लगाइएगा, लिमिट की डेफिनेशन होती है मोड xn-α<ln>, वहां पर हमारा और आपका जो कार्य है वो कार्य केवल और केवल एन नॉट फाइंड करने का है, बात क्लियर। तो बेटा हमारे पास में सीक्वेंस हो गया, ये xn हो गया, सीमा की परिभाषा से फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लिमिट हमने लिमिट की डेफिनेशन लगा दी, और एन नॉट याद करना है, लिखा हुआ है बेचारे बच्चे ने साफ साफ,
हमने बोला तभी उसने लिखा है, ठीक है ना, कि आप लिख लीजिए यहाँ कि हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें मालूम तो हो ना उस बात का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, तो एक्स एन की वैल्यू हमने पुट करी यहाँ, बड़ा एल्फा हमारे पास मित्री है वो पुट करा हमने, लेस देन एप्सिलॉन है, तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ से, एन नॉट ज्ञात करना है, क्लियर। हाँ जी, बड़ा यहाँ से हम देखिए, यहाँ से हमारे पास में एक्स एन की वैल्यू है, एल्फा है, हम एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, और इसके ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, हमारे पास में एक्स एन था, एल्फा था, एप्सिलॉन हमें छेड़ना है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेशन में साफ साफ लिखा होता है, फॉर गिवन स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, ठीक है ना, अल्प धनात्मक संख्या या दिए हुए अल्प धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के संगत एक प्राकृत संख्या एन नॉट का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि वो डेफिनेशन। तो हमारे पास में एलसीएम लिया, सोल्व किया, नेगेटिव है, मॉडुलस से पॉजिटिव बन जाएगा, तो हमने यहां तक हमारे पास में आ गए, और उम्मीद करता हूं कि शायद अब ये ऐसी कैलकुलेशन आप हमसे सोल्व करने की यहां पर बोर्ड पे उम्मीद मत रखना, ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। तो हमारे पास में यहां से बड़ा एन हमें मिल चुका है, और हमारे पास में एन ग्रेटर एन नॉट होता है, तो हमारे पास में एन नॉट क्या हो गया, ग्रेटर देन एंड इक्वल 15 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 5 का स्क्वायर, क्लियर। मैं चलो यहां से आगे, बोलिएगा। चलिए आगे बड़ा, तो मेरे पास में लास्ट एंड फाइनल हमें क्या लिखना होगा, अच्छा ये बच्चे ने यहाँ गलती कर दी है, उसने यहाँ ब्रैकेट बना दिया है, एक्चुअल में यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ये हमारे पास में मॉडुलस है, क्या है, मॉडुलस, ठीक है ना। लास्ट में हमें वो कंप्लीट लिखना है कि एक्स एन माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, वेयर जहाँ एन नॉट की वैल्यू ये, और एन नॉट एप्सिलॉन पर डिपेंड होता है, तो एन नॉट की जो वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन में आएगी, एप्सिलॉन के पदों में आएगी, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में यहां से इसमें दूसरा क्वेश्चन बड़ा क्या था, 1/2 की पावर n, और ये था कि 1/2 की पावर n 0 को कन्वर्ज करती है, 0 को अभिसरत करती है, तो मोड एक्स एन माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन हम वहां अप्लाई करेंगे, और वहां से हम एन नॉट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये मिला एक्स एन माइनस एल्फा, यहां से हमने एन फाइंड आउट करने की कोशिश करी। अब यहां पर बच्चे क्या त्रुटि करते हैं वो सुन लेना, आपको पढ़ाया था तब भी हम आपको बोले थे 100 में से 90% बच्चे ये गलती कर जाएंगे, वहां ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो सुन लीजिएगा आप लोग, यहां ये हमारे पास में यहां से 1/2 की पावर n है, चलो ये तो ठीक है, एक क्वेश्चन और आएगा उसमें देखेंगे हम लोग, 2 की पावर n जो भी है, 1/2 की पावर n है, बड़ा 1/2 की पावर n हमेशा पॉजिटिव कार्य करेगा, तो मॉडुलस का कोई मीनिंग नहीं रहा वहां, तो वहां से मॉडुलस को हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहां से मॉडुलस को रिमूव कर दिया है, क्योंकि हमें n फाइंड आउट करना है, 1/2 की पावर n लेस देन एप्सिलॉन हुआ, 2 की पावर n हमारे पास में ये हुआ, हमें n लाना है, और n को इस तरह से अरेंज करना है कि हमारे पास में n ग्रेटर देन कुछ मने, n ग्रेटर, अगर गलती से भी आपके पास में, अगर गलती से भी आपके पास में अगर n लेस देन अगर बनता है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन में गलती कर दी, उसको सुधारिएगा आप लोग, ये बात क्लियर। तो यहां से हमारे पास बेटा हम इसके हमें एन फाइंड आउट करना है, लॉग लेंगे, तो पंछी की तरह ये एन उड़ता हुआ आकाश से छत पे आ जाएगा, यहां से हमारे पास में एन ग्रेटर लॉग 1/ε ये मिल गया, तो हमारे पास में हमें वहां से एन नोट मिल चुका है, यहां तक बात क्लियर। कुछ भी नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कुछ नहीं करना, मोड एक्स एन माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन लगाना है, और हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन परिभाषा के अनुसार उस एन नोट का एग्जिस्टेंस कराना है, ठीक है ना, उस एन नोट को अस्तित्व में लाना है कि भाई ऐसा एन नोट कौन है, कहाँ से होगा, क्या होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में हमारे पास में बड़ा इसी का जो थर्ड एग्जाम्पल है वो ये है, एक्स की पावर एन माइनस के,
ठीक है ना। हाँ, हम जो बोल रहे थे कि बच्चे 100 में से 90% बच्चे गलती करते हैं, वो हमारा ये रहेगा। सुन लीजिएगा क्या बेटा, हमारे पास में ये मोड एक्स एन माइनस जीरो भाई, यहां से हमारे पास में एक्स की पावर एन ये हुआ, तो यहां से हमारे पास में एक्स की पावर एन लेस देन एप्सिलॉन हमारे पास में बन चुका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर एक्स वगैरह पे कोई कंडीशन होगी कि वो पॉजिटिव रहे, इसलिए हमने वहां से मॉडुलस हटा दिया, क्वेश्चन में लिखा होगा देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। मुझे एन यहां से फाइंड आउट करना है, तो जनरली बच्चे इसमें त्रुटि कर जाते हैं, अगर एक्स की पावर एन अगर ये लेस एप्सिलॉन है, थोड़ा बच्चे यहीं पर लॉग ले लेते हैं, सर जी एन लॉग एक्स लेस देन लॉग एप्सिलॉन हुआ। मैंने बोला हमें किसी भी परिस्थिति में एन लेस तो बनाना ही नहीं है, जो भी बनाना है ना हमें एन ग्रेटर बनाना है। अब वो क्या बने कैसे बने वही चीजें सीखनी होती है हमें यहाँ, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे कैसे अगर इस पर मैं लॉग अप्लाई करूंगा तो यहां पर मैं गलत साबित हो जाऊंगा, तो हम पहले उसको यहां से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब एन ग्रेटर बनाने की कोशिश हम लोगों की यहाँ जारी रहेगी और हम उसको बना के छोड़ेंगे, ये मान लीजिएगा आप। तो उसके लिए बड़ा सीधी सी बात है, हमारे पास में यहां से अगर हम काम करेंगे तो एन लेस देन बन रहा है, तो हमें एन लेस के लिए तो बिल्कुल भी कार्य नहीं करना। किसके लिए कार्य करना है, ग्रेटर के लिए कार्य करना है, ठीक है ना। तो उस तरह से इसको अरेंज करना है आपको, मतलब इसको आपको डिनोमिनेटर में लाना होगा, हर में लाना होगा। ये 1/x की पावर एन है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां दोनों साइड लोग लीजिए, अब हमारे पास में एन ग्रेटर बन चुका है। बात क्लियर, चले यहां से आगे चलिएगा। हाँ जी, तो ये हमारे पास में बड़ा ये जो एग्जाम्पल है ये यहां समाप्त होता है, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आप लोग डेफिनेशन का यूज करिए और एन नॉट फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा। अगर आपका सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो एन ग्रेटर आपको मिल जाएगा, अगर आपने त्रुटि कर दी तो आपको एन लेस मिल जाएगा। चलें आगे बढ़ते। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास में ये आता है, यहां से ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा आप लोग। यहां हमारे पास में सीक्वेंस एक्स एन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एन स्क्वायर प्लस वन से परिभाषित हो, तो एन नॉट प्राप्त कीजिए जहां यदि ये है। इसका मतलब हमारे पास में जो सीक्वेंस है ना, इसकी लिमिट हमारे पास में ये है, एक्स एन हमारे पास में है, एल्पा हमारे पास में है, एप्सिलॉन होता ही है, केवल और केवल क्या फाइंड आउट करना है एन नॉट। तो डेफिनेशन आप अप्लाई कीजिएगा कि मोड ये हमारे पास में ऐसा का ऐसा आपको एग्जाम में लिखना है, ध्यान रखना, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लिमिट सीमा की परिभाषा से मोड एक्स एन माइनस एल्पा लेस देन एप्सिलॉन, तो मोड एक्स एन हमारे पास में ये रहा, एल्पा ये रहा, एप्सिलॉन ये बना, ठीक है ना। तो हमारे पास में यहां से बड़ा एलसीएम वगैरह लेकर के हमने इसको सोल्व करने की कोशिश करी, वो तो सोचना मत कि हम यहाँ एलसीएम लेंगे आप, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से बेटा इसको सोल्व करके हमने यहाँ से एन फाइंड आउट करने की कोशिश करी, मतलब एन लेस या ग्रेटर जो भी बनेगा वहां तक हम पहुंचते हैं एक बार, ठीक है, आइएगा। तो हमारे पास में ये आया बेटा सोल्व, देख लीजिएगा आप लोग किस तरह से हो रहा है, बस एन ही तो लाना है आपको, एन ग्रेटर तो लाना है, नहीं आएगा तो भी बना देंगे इतना एक्सपीरियंस तो है ना हमारे पास में, बोलिए है नहीं है, बोलिएगा है या नहीं है ना, बस तो यही विश्वास सही है हमें आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट, चलिए थ्योरम का शुभारंभ करते हैं बेटा। जो थ्योरम हमारी है ना वो सुन लीजिए क्या है, एक अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है, यहां देख लीजिएगा आप लोग सभी, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट, मेरे पास में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है, केवल और केवल यूनिक एक होती है,
एक का मतलब या मैथमेटिक्स वाला एक से नहीं है, मतलब जो भी होगा वो एक फिक्स वैल्यू आपको देगा। ये आप देखते रहिए, मैं बोलते हुए जा रहा हूं अपने हिसाब से। बेटा हमें ये बताना है कि जो हमारे पास में अभिसार या अनुक्रम होता है उसकी सीमा अद्वितीय होती है, यूनिक होती है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम जो उसमें गिवन है पहले उसको हम मान के चलेंगे, और जो प्रूव करना है हम उसको लिख लेंगे। माना एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है, तब हमें सिद्ध करना है अभिसारी अनुक्रम एक्स एन की सीमा अद्वितीय होती है। मेरे पास में लेट एक्स एन, मेरे पास में बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देन वी प्रूव दैट सीक्वेंस एक्स एन हैज यूनिक लिमिट। और आपको पता है मैथमेटिक्स में अगर हमें यूनिक प्रूव करना होता है तो हम उसको कॉन्ट्रडिक्शन से करते हैं, विरोधाभास से करते हैं, एक नहीं दो लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसको हम विरोधाभास से सिद्ध करते हैं यदि संभव हो तो। माना एल वन एवं एल टू इसकी दो भिन्न सीमाएं हैं, डिस्टिंग से लेके हम काम कर रहे हैं। वी प्रूव इट्स बाय कॉन्ट्रडिक्शन, लेट इट पॉसिबल एल वन एंड एल टू दोनों मेरे पास में डिस्टिंग्स हैं, आर टू डिस्टिंक्ट लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्स एन। अगर एल वन लिमिट होगी तो एल वन अपनी डेफिनेशन के साथ आएगा या आएगी जो भी है, एल टू है तो एल टू अपनी डेफिनेशन के साथ आएगा। एल वन और एल टू अगर हमारे पास में डिस्टिंक्ट हैं तो इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि एल वन मेरे पास में यहां से, अगर एल वन और एल टू अगर डिस्टिंक्स हैं तो एल वन माइनस एल टू मैं करूंगा बेटा और मॉडुलस में लेता हूं, तो सीधी सी बात है क्या मिलेगा हमें, ग्रेटर देन जीरो। इक्वल की तो कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि हम साफ साफ इसमें बोल चुके हैं मेरे पास में यदि संभव तो। माना क्या बेटा, टू डिस्टिंक्स लिमिट है, दो भिन्न सीमाएं हैं, तो डेफिनेटली इस बात को ये फॉलो करेगा। हम अगर मान के चल रहे हैं अगर एल वन उसकी लिमिट है तो सीधी सी बात है उसमें एल वन की डेफिनेशन लग जाएगी, मतलब एल वन के लिए लिमिट की परिभाषा लग जाएगी। उसके लिए हमारे पास में एक एन नॉट हमें मिलेगा, वो हमने एन वन मान लिया। इसी तरह से अगर एल टू हमारे पास में अगर उसकी लिमिट बनती है तो उसके लिए भी हमें एन नॉट मिलेगा, वो हमने एन टू मान लिया, ठीक है ना। तो हमारे पास में अगर एल वन है लिमिट तो हमारे मोड एक्स एन माइनस एल वन लेस देन एप्सिलॉन। अब आपको एप्सिलॉन लेना है या एप्सिलॉन बाई टू लेना है, इस बात का सम्मान करना पड़ेगा, ध्यान रखना। बाई टू लेके हमें कार्य करना होगा क्योंकि हम तभी, या आप बाई टू केवल एप्सिलॉन लोग करके भी कार्य करते हो तो भी ठीक है, मामला हमारा चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, ठीक है ना। तो हम यहां से एप्सिलॉन लेकर के कार्य करते हैं तो भी ठीक है, बाई टू लेकर के करेंगे तो भी ठीक है, मेरा नाम लिख लो और लिख दो जे आंसर एक अल्प धनात्मक संख्या है तो भी ठीक है, ठीक है ना। चलिए ये हुआ, अगर एल वन हुआ तो ये, एल टू हुआ तो ये, ठीक है ना। तो ये तो हमें यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन हम लेके चल रहे हैं, मतलब हमें कुछ ना कुछ गलत साबित करना होगा, और गलत साबित हमें ये करना है कि एल वन और जो एल टू है ना वो अलग अलग ना हो करके, डिस्टिंक्स ना हो करके सेम है, वो दोनों बहने हैं वो, ठीक है ना, जुड़वा बहने हम बोल सकते हैं, वहां एक जैसी बिल्कुल। चिंकी मिंकी नाम सुना है ना, कपिल कॉमेडी शो में चिंकी मिंकी, वो मान लो एल वन और एल टू है। हाँ चलिएगा, तो हमारे पास में यहां से बेटा हम एल वन माइनस एल टू का मॉडुलस लेके चल रहे हैं। एल वन माइनस एल टू का अगर हम मॉडुलस लेके चल रहे हैं, बड़ा मोड एल वन माइनस एल टू, हम कोशिश करेंगे कि लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, हमारा काम बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। तो मोड एल वन माइनस एल टू इक्वल, अब एल वन और एल टू का अपने आप में तो कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, तो हमने एक्स एन ऐड किया और सबट्रैक्ट किया, जोड़ दिया घटा दिया, जोड़ दो घटा दो, तो ये हमारे पास में ये हुआ। चिन्ह का ध्यान रखना, चिन्ह के अनुसार ही हमें कार्य करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बड़ा इसमें हम इनइक्वालिटी का यूज करेंगे कि मोड ए माइनस बी लेस देन एंड इक्वल मोड ए प्लस मोड बी, ठीक है ना। ये रियल की एक प्रॉपर्टी होती है, एक छोटी सी है, आप ए बी का मान रख के चेक कर लो, वो ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो हमने ये हमारे पास में क्या है ए, ये हमारे पास में क्या है ए, ये क्या है बी, तो मोड ए माइनस बी प्रॉपर्टी लगाई तो हमारे पास में ये, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या हुआ,
ये हमारे पास में खुद एप्सिलॉन है, क्या लेस देन एप्सिलॉन है, लेस देन इक्वल नहीं, ध्यान रखना, ये खुद हमारे पास में लेस देन एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन बन जाएगा। ये इस बच्चे ने यहां त्रुटि कर रखी है तो नोट्सों में ठीक कर लेना भैया, ठीक है ना। तो ये बच्चे ने ये है कि यहां पर उसने इक्वल लगा रखा है, नहीं ये इसके इक्वल है, ये ए बराबर बी है, लेस देन सी है, तो ए लेस देन सी होगा ना, ठीक है ना। तो यहां से ही इसको हटा दीजिएगा इक्वल को। चले यहां से आगे भाई, बच्चे के नोट्स हैं और बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं तो गलती कर सकते हैं, सीधी सी बात है, हम उसको टिक करवा देंगे यहाँ, ठीक है ना। तो हमारे पास बड़ा ये लेस देन, केवल लेस देन आएगा यहाँ, केवल लेस देन आएगा, इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ए बराबर बी लेस देन सी, ठीक है ना। तो ए लेस देन सी हम यहाँ लिख पाए। चले आगे, तो शायद हमें जिसके नोट्स हैं वो भी सुन रहा होगा तो उसे अपनी गलतियों पर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, ना बेटा ना, इसमें क्या है, गलती हो जाती है, गलती से तो गलती तो भगवान से भी होती है, हम तो इंसान है। चलिए यहां से आइए बेटा, हम मैंने बोला एप्सिलॉन को हम लोग अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, तो हमने एप्सिलॉन टेंस टू जीरो लिया तो हमारे पास में लेस देन जीरो बन गया। हम स्टार्टिंग में क्या मान के चल रहे थे कि एल वन माइनस एल टू मेरे पास में ग्रेटर देन जीरो, यहां से हमारे पास में क्या आया, लेस देन जीरो, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, विरोधाभास आ गया ना। इसका मतलब हम जो लेट करके चल रहे थे, हमारा जो अजम्पशन था, हमारी जो कल्पना थी, वो गलत है। एल वन और एल टू हमारे पास में डिस्टिंक्शन ना हो करके दोनों जुड़वा बहने हैं एक, ठीक है ना, यूनिक है। चले यहां से आगे। हाँ जी, तो इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो कि असत्य है अर्थात हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना के विपरीत है, अतः हम कह सकते हैं अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है, ठीक है ना। चले यहां से आगे आते हम लोग बेटा, इसके बाद हमारे पास में दो नोट आते हैं, नोट नंबर फर्स्ट और नोट नंबर सेकंड। हम इनका भरपूर इस्तेमाल करने वाले हैं, नोट नंबर फर्स्ट और नोट नंबर सेकंड का। नोट नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, सुन लेना आप लोग सभी, यहां सभी इधर। हमारे पास बेटा कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी हमारे पास में सीक्वेंस है, वो हमारे पास में इंक्रीजिंग है, क्या है? और इंक्रीजिंग कौन सी, ठीक है ना, वो अभी देख लेना आप लोग कौन सी इंक्रीजिंग। ये है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां हम एक दिश का यूज कर लेंगे। यहां पर हो सकता है आपके सामने यहां नोट्स में निरंतर लिखी हुई हो, लेकिन वहां पर हम जब कार्य करेंगे ना बेटा, हो सकता है इन्फिनिटी वर्टम्स और उससे जस्ट पहले वाला इक्वल आ जाए, हम वहां तक पहुंच तो पाएंगे नहीं ना, बोलो बात ठीक है नहीं है। इसलिए वहां पर हम उसको मोनोटोनिक के लिए यूज कर लेते हैं, एक दिश के लिए यूज कर जाएंगे। तो हमारे पास में अगर कोई भी सीक्वेंस हमारे पास में स्टिकली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है और बाउंडेड है, ये मार्कर और इसके बीच में रहने वाली है, इंक्रीज हो रही है पहले फिर, ठीक है ना। तो हमारे पास में अगर निरंतर वर्धमान एवं परिबद्ध अनुक्रम अगर ऐसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और अगर बाउंडेड सीक्वेंस है, तो वो हमारे पास में क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। थ्योरम होती है वो आगे प्रूव करी जाती है इसमें। चले यहां से आगे चले ना, और सिमिलर बात हमारे पास में डिक्रीजिंग के लिए आती है। सबसे पहले वाला टर्म सबसे लार्ज है, सबसे बड़ा है, उसके बाद में उसके टर्म्स लेस होते हुए जाते हैं, मतलब छोटे हुए तो जाते हैं, लेकिन बाउंडेड है, फिक्स क्राइटेरिया हमारा चल रहा है। चले यहां से आगे, कोई दिक्कत, चलिए देखिएगा। तो ये हमारा इसमें पहला नोट है, प्रत्येक एकदिष्ट वर्धमान एवं परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी होती है, ठीक है ना। यहां पर अच्छा जो हमने क्वेश्चन में यूज करते हैं उस बच्चे ने यही लिख लिया, हो सकता है हमने लिखवा दिया हो, केवल इसलिए कि आगे आपका कंफ्यूजन ना हो आपको किसी प्रकार का, ठीक है ना। बड़ा हमारे पास में हो सकता है कि हमारे पास में जो सबसे लास्ट का
अजम्पशन, केवल कल्पना कर रहा हूं, केवल कल्पना, क्योंकि ना तो आप पहुंच सकते हो इन्फिनिटी तक, ना मैं पहुंच सकता हूं, ठीक है ना। मान लो मैंने उसका इन्फिनिटी टर्म्स निकाला और ये भैया निकाले, दोनों मान लो इक्वल आए, आ भी सकते हैं भैया, मुझे क्या पता, आ भी सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, मोनोटोनिक बोल के चलते हैं, ठीक है ना। चले यहां से आगे, कोई दिक्कत है? तो हमारे पास में यहां से प्रत्येक एकदिष्ट वर्धमान एवं परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी होती है, डिट्टो हमारे पास में ह्रासमान के लिए होती है, ठीक है ना। तो हम इन दोनों नोट का भरपूर इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस में, ध्यान रखना। चले यहां से आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। टाइप नंबर सेकंड के क्वेश्चन हमारे पास में आ रहे हैं अब, टाइप नंबर सेकंड के क्वेश्चन हमारे पास में आ रहे हैं, देखते हैं। और ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिल सकता है, ध्यान रखना। देखो बेचारे बच्चे ने पता नहीं कहीं पर बैठ के फोटो खींची है, तो शायद उसके आसन की जगह आ रही है, आसन का मतलब बिस्तर, बिस्तर आ रहे हैं शायद सोने के, हमें इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, चलिए ठीक है ना बेटा। हमारे पास में एक सीक्वेंस एक्स है, क्वेश्चन देख लीजिए आपके नेत्रों के सामने है, अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्जाम में मिल सकता है, गारंटी नहीं है क्योंकि हम भविष्यवक्ता नहीं है, ध्यान रखना। अगर हमें, हम भविष्यवक्ता होते तो हम आपको वो 5 क्वेश्चन दे देते, आज ही दे देते, क्यों फालतू में मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ जी, तो सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्स एन, और जहां उसने एक्स एन को डिफाइन कर दिया, ये है भैया फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, जो भी है एकदिष्ट वर्धमान है, पहले ये बताना हमें, हमें केवल और केवल इंक्रीजिंग बताना है, बस केवल और केवल इंक्रीजिंग बताना है, वर्धमान बताना है। अगर एकदिष्ट लिख रखा होगा एकदिष्ट बोल देंगे उसको, निरंतर लिख रखा होगा हम उसको निरंतर बोल देंगे, जो लिख रखा है वो बोल देंगे, बात क्लियर। सेकंड परिबद्ध है, मतलब उसका में अपर बाउंड मिलेगा, लोअर बाउंड मिलेगा, ऊपरी परिबंध मिलेगा, निम्न परिबंध मिलेगा, मतलब ठीक है ना। इसके बाद में कन्वर्जेंट, और जैसा हमने बताया था अभी नोट था, अगर कोई भी सीक्वेंस एक्स एन एकदिष्ट वर्धमान और परिबद्ध होगी तो बाउंडेड बन जाएगी, अपने आप थर्ड प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद में फोर्थ बड़ा लिमिट। अब बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, अब बच्चों में क्या थोड़ी सी स्मार्टनेस आई जाती है समय को देखते हुए, थोड़ी सी स्मार्टनेस आई जाती है समय को देखते हुए, अच्छा तो इसमें ये लिमिट वाला सबसे सिंपल हम पहले इसी को करते हैं, कर भी सकता है बच्चे, भाई कौन मना कर सकता है उसको। अब एग्जाम में नंबर दे ना दे, टीचर वो उसके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, मैं तो नहीं दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं किसी भी सीक्वेंस की लिमिट में उसी कंडीशन में डिफाइन कर सकता हूं जब वो कन्वर्जेंट होगी, अभिसारी होगी। इसका मतलब कि आपको सबसे पहले उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बताना होगा, अभिसारी बताना होगा। अगर मैं जब तक उसको कन्वर्जेंट नहीं बताऊंगा, मैं उसकी लिमिट फाइंड आउट करने में असमर्थ रहूंगा, ध्यान रखना। तो हमें सबसे पहले उसकी लिमिट बतानी है, मतलब सबसे पहले उसको कन्वर्जेंट बताना है, उसके बाद में हम लिमिट पे आते हैं, ऐसा नहीं। सबसे सिंपल ये, चलो एक तो मिल ही जाएगा नंबर, पहले इसको करते हैं, इसके चक्कर में आपके दूसरे के मार्क्स और काट लेगा, अगर अच्छा कॉपी चेक करने वाला होगा तो, ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ इंग्लिश वाले, प्रूव दैट, प्रूव दैट सीक्वेंस एक्स एन वेयर एक्स एन इक्वल टू ए फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन इच मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो मैं केवल और केवल इंक्रीजिंग पर काम करना है, अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हम उसको लिख देंगे, स्ट्रिक्टली है उसको लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। सेकंड बाउंडेड, इज बाउंडेड, बाउंडेड बताना है, मीनिंग उसका लोअर बाउंड अपर बाउंड हमें मिल जाए। अगर कोई भी सिक्वेंस, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी अगर फॉलो करती है तो ऑटोमेटिक वो कन्वर्जेंट बन जाती है बाई नोट, नोट से। और अगर यदि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होती है तो मैं उसकी लिमिट डिफाइन कर सकता हूं, मतलब उसके दोनों साइड में लिमिट लगा दो,
चलिए सुनना आप लोग, अगर हमारे पास में एक कोई भी सीक्वेंस अगर मेरे पास में पी एन अपॉन क्यू एन में होगी, मैंने क्या बोला सुना आपने, अगर मेरे पास में एक कोई भी सीक्वेंस मेरे पास में अगर पी एन अपॉन क्यू एन में होगी, पी एन अपॉन क्यू एन में होगी तो उसको बाउंड बताने का तरीका आप इसमें देख लेना। एग्जाम में क्वेश्चन कोई जरूर नहीं कि ये कही आए 2n-7 3n+2, सर ने हमें तो ये करवाया था, ये ऐसा कैसा आएगा तो हम कर देंगे, नहीं आएगा तो नहीं, ये क्या बात हुई है ना। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना कि क्वेश्चन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, सबसे पहले हमारे पास में एक्स एन है, हमें इंक्रीजिंग बताना होगा या डिक्रीजिंग बताना होगा। हम सबसे पहले क्या कार्य करेंगे सुन लीजिएगा आप लोग, हम सबसे पहले एक्स वन लेंगे और एक्स टू निकालेंगे, दो टर्म्स उसके निकाल लेंगे। अगर आपके पास में समय है तो एक्स थ्री भी निकाल लीजिएगा, ज्यादा ही समय है तो उसके 100 टर्म से निकाल लेना, टाइम पास अगर करना है तो आपको, वो आपके ऊपर च्वाइस है। हाँ, एक्स वन और एक्स टू, एन बराबर वन लिखेंगे एक्स वन मिल जाएगा, एन बराबर टू लिखेंगे हमें एक्स टू मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो मैं थोड़ा सा एहसास हो जाएगा, गारंटी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा एहसास हो जाएगा कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। गारंटी कौन देगा, एक्स एन और एक्स एन प्लस वन, ध्यान रखना एन वे टर्म्स और एन प्लस वन वे, वो देंगे हमें गारंटी, ठीक है ना। तो हमारे पास में यहां से ए बड़ा एक्स वन हमने निकाला, एक्स टू हमने निकाला, हमें थोड़ा सा इनके बारे में एहसास हो जाएगा कि हमारे पास में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। अगर एक्स टू एक्स वन से ग्रेटर आया तो इंक्रीजिंग ही होगा, मतलब हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, ज्यादा नहीं सोचना। गारंटी कौन देगा, एक्स एन और एक्स एन प्लस वन। गारंटी के लिए हमारे पास में एक्स एन है, एक्स एन प्लस वन हम निकालेंगे यहां से, और एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन हम कर लेंगे बेटा। अब वो एलसीएम जोड़ना घटाना गुणा भाग ये बाकी हमें, मैं तो भूल गया भाई, पहले भूल गया था 10वीं क्लास में ही, ठीक है ना, क्योंकि हम अच्छी मैथ सीख रहे थे ना फिर, अच्छे निशान, हमें थोड़ा सा एहसास हुआ आप कौन से निशान। तो हाँ बेटा, हम ये बोलना चाहते हैं, अभी निशांत भैया का कमेंट आया था कि पी एन अपॉन क्यू एन क्या है ये बताओ, इस बात की 100% गारंटी है, ये हमसे रियल एनालिसिस नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। हम ये बोल रहे हैं अगर हमारे पास में कोई भी सीक्वेंस होती है एक्स एन, पी एन अपॉन क्यू एन का मतलब बेटा हमारे पास में क्या है, पी एन अपॉन क्यू एन का मतलब है एक्स एन को हमने पी एन मतलब उसका जो न्यूमेटर होगा उसको भी हमने एन के टर्म्स में डिफाइन किया है, और क्यू एन का मतलब उसका जो डिनोमेटर होगा हर उसको भी हमने डिफाइन किया, ये टाइप नंबर सेकंड है। अगर सीक्वेंस हमारी पी एन अपॉन क्यू एन में अगर हमें मिलती है तो उसको सोल्व करने का ये प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस होता है मेथड, जो भी आप बोलना चाहो बोल लो, ठीक है ना। चलिए पी एन का मतलब सीख गए होंगे शायद, क्यू एन का मतलब भी आप लोग शायद सीख गए होंगे, उम्मीद करते हैं थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बड़ा, तो हमारे एक्स वन है, एन बराबर वन से एक्स वन आया, एन बराबर टू से एक्स टू आया, थोड़ा सा हमें एहसास हुआ कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। फिर हम गारंटी लेने के लिए हमने, हमारे पास में एक्स एन है और एक्स एन प्लस वन है, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन हमें करना है, किसमें करना है, पी एन अपॉन क्यू एन की सिक्वेंस में करना है, ध्यान रखना ये बेटा, आपको साफ साफ नजर आ जाएगी। बोलो आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है ना, नहीं आ रही है तो भी आवा उसको, ठीक है ना, क्योंकि थोड़े समय पश्चात आपको एग्जाम देनी है, वहां तो फिर लाना पड़ेगा। हाँ तो अगर हमारे पास में अगर एक्स एन प्लस वन अगर ये ग्रेटर होगा एक्स एन से, फिर गारंटी हो जाएगी कि हमारे पास में जो सीक्वेंस है वो हमारे पास में इस तरह का बिहेवियर शो करे। चले चलिए, तो हमारे पास में एन बराबर वन से एक्स वन आया, एन बराबर टू से एक्स टू आया, एन बराबर थ्री से एक्स थ्री आया,
मतलब हमारे पास टाइम था तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हमने निकाल लिए, मतलब काम हमें एक्स एन और एक्स एन प्लस वन के लिए भी करना होगा, तो हम देख के किया है एक्स एन से एक्स एन प्लस के लिए एन के स्थान पर आप एन प्लस वन कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने एक्स एन और एक्स एन प्लस वन हुआ, दोनों को सबट्रैक्ट किया, घटा दिया, घटाओ कर दिया, ये प्लस माइनस गुणा भाग, ये मुझे आता नहीं है, आप देख लो शायद आपको आता होगा, ये हमारे पास में आया। अब एन हमारे पास में होता है नेचुरल नंबर, थोड़ा ये हमारे पास में पॉजिटिव, ये सारे टर्म्स हमारे पास में पॉजिटिव है, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। तो हमारे पास में फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इनफिनिटी यहां लाइए मत, इनफिनिटी केवल अजम्पशन होता है कि हाँ होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन ग्रेटर देन जीरो हुआ, तो एक्स एन प्लस वन ये हुआ, तो हमारे पास में आया। अब पता है हमने यहां पर ये एकदिष्ट क्यों लिखा है, पता है जब भी हम पढ़ाते हैं तो बच्चे पूछते हैं सर जी निरंतर है ना, सर जी ये तो हमारे पास में जो है ये तो हमारे पास में स्ट्रिक्टली है ना बेटा। चलो ठीक है कि मान लीजिए हमारे पास में कंटिन्यू बढ़ रही है, लेकिन इनफिनिटी माइनस वन और इनफिनिटी हमारे पास में इक्वल आ गए, आ सकते हैं एक मतलब दो टर्म्स के भी अगर इक्वल आने से हमारे पास में जो स्ट्रिक्टली है ना जो निरंतर है ना वो मोनोटोनिक बन जाएगी एक दृष्टि, अगर दो भी टर्म्स अगर इक्वल हो गए तो, और हो सकते हैं ना, तो आप ना ही हम और ना ही जिसने बुक बनाई है वो, ठीक है ना, या जिसने भी रियल सिक्वेंस डिफाइन करी है वो इन उसके सारे टर्म्स तो निकाल भी नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। आपको मतलब 2-3 करोड़ बार जन्म लेना पड़ेगा तब भी क्या पता निकल जाए तो निकल जाए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो, तो हमारे पास में यहां से बेटा जो सीक्वेंस है ये हमारे पास में क्या हो गया, एकदिष्ट वर्धमान मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि सर यहां तो एक कंटिन्यूअस बढ़ रही है ना, फिर आपने यहां मोनोटोनिक क्यों लिखा है, यहां आपने एकदिष्ट क्यों लिखा है, केवल और केवल इसलिए इनफिनिटी माइनस वन और इनफिनिटी के लिए, क्या पता हो जाए बराबर, क्लियर ना। चले तो हमारे पास में एक क्वेश्चन में चाहे वो कैसा भी बोले हम उसके हिसाब से उसको अरेंज कर देंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा पहला इसका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था, मेरे पास में इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एकदिष्ट वर्धमान, वो हमारा पूरा हुआ, बहुत आसान है मेरे हिसाब से। सेकंड हमें बताना है कि हमारे पास में जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। बाउंडेड के लिए बेटा हम लोग दो चीज जानते हैं कि उसका लोअर बाउंड मिल जाए और अपर बाउंड मिल जाए, ठीक है ना। चलिए सुनना आप लोग सभी, अब यहां बेटा हमारे पास में एक्स वन है और ये जो एक्स वन है बेटा ये हमारे पास में क्या है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि जो एक्स वन है वो हमारे पास में क्या बेटा यहां पर कितना आ रहा था वो देख लीजिएगा आप लोग, जो भी इसमें आ रहा था जैसा भी आ रहा है वो देख लेना आप लोग, ठीक है ना, जो भी आ रहा था हम देख लेते हैं एक बार, वेट करो थोड़ा सा, कितना है कितना है, एक्स वन भैया खा गया, एक्स वन भैया ये रहा भाई माइनस वन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक्स वन है वो हमारे पास में क्या है माइनस वन, ये अब इंक्रीज हो रहा है, इस बात की गारंटी है कि माइनस वन इसका लोअर बाउंड है, इसका कोई भी टर्म्स माइनस वन से नीचे नहीं जाएगा, आपके जो पैर है वो धरती माता के अंदर नहीं जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास में इसका माइनस वन हमें इसका लोअर बाउंड मिल चुका है, हमें केवल और केवल कार्य करना है अपर बाउंड के लिए, और पी एन अपॉन क्यू एन की अगर सिक्वेंस होती है, पी एन अपॉन क्यू एन की अगर सीक्वेंस होती है तो आपको कुछ नहीं करना, पी एन में क्यू एन से आप डिवाइड कर दीजिए, ये मैंने कर दिया डिवाइड, डिवाइड करने के पश्चात बेटा डिवाइड वगैरह आपको आता होगा, ध्यान रखना मेरे से पूछना मत, नहीं मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ हमारे पास में यहां से पी एन में हमने क्यू एन से डिवाइड किया तो हमारे पास में ये मिला, ये नेगेटिव हो गया, सुन लीजिएगा आप लोग,
अपने 2/3 माइनस हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है बेटा, मतलब कि 2/3 माइनस हो रहा है। अगर मान लो ये किसी परिस्थिति में अगर जीरो भी हो जाता है तो 2/3 तो है ना हमारे पास में, 2/3 माइनस, या तो 2/3 या उससे क्या होंगे, कम होंगे। इसका मतलब हमें इसका अपर बाउंड मिल चुका है, और इसका अपर बाउंड कौन है बेटा, 2/3 है। चलो मैं यहां से, लोअर बाउंड कौन था, -1, तो हमने को ऐसे लिख दिया, ये लीजिए भैया। तो पी एन अपॉन क्यू एन की सीक्वेंस के लिए हमें क्या करना होगा, एन बराबर 1 से X1, एन बराबर 2 से X2, एन बराबर 3 से X3। थोड़ा सा हमें एहसास हो जाएगा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, अगर मोनोटोनिकली क्वेश्चन में, तो उसको अटैच कर दीजिएगा, एक दिश है तो, या कुछ और कह रहे हैं तो उसको अटैच कर दीजिएगा, वो अब उसकी परेशानी है, वो कैसे अटैच करवाता है, हमें प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बाउंडेड के लिए बेटा, बाउंडेड के लिए हमें क्या करना होगा, पी एन अपॉन क्यू एन में अगर वो इंक्रीजिंग है तो लोअर बाउंड हमारे पास में होगा उसका पहला टर्म्स, इंक्रीजिंग है तो हमें उसका अपर बाउंड निकालना है, और पी एन अपॉन क्यू एन की सिक्वेंस में अपर बाउंड या अगर आवश्यकता है तो लोअर बाउंड निकालने के लिए हमें पी एन को क्यू एन से डिवाइड करना होगा, जिस भी तरह से हमें कार्य करना हो, ठीक है ना। तो हमें वहां से उसके बाउंड मिल जाएंगे, तो सीक्वेंस को हम बाउंडेड बोल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास में कोई भी सीक्वेंस, अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड होगी तो हमारे पास में कन्वर्जेंट बन जाएगी, प्रत्येक एकदिश वर्धमान एवं परिबद्ध अनुक्रम एक अभिसारी अनुक्रम होती है, एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर मैंने किसी भी सीक्वेंस को अगर कन्वर्जेंट बोल दिया तो मैं उसकी लिमिट लगा सकता हूं, और उसकी लिमिट हमारे पास में आ जाएगी, उसके दोनों साइड आप लिमिट लगा दीजिएगा, आपको लिमिट का मान मिल जाएगा, देख लीजिए। चले यहां से आगे, अब हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट इसका कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखते हमने कहीं पहले, सबसे पहले हम फोर्थ पार्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अरे भैया, जब तक आप सीक्वेंस को कन्वर्जेंट नहीं बताओगे, ना आप ना हम ना जिसको जिसने दिया वो, इसकी लिमिट कैसे निकाल लेगा। चले आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से वही है बड़ा, पी एन अपॉन क्यू एन वाला मामला है, पी एन अपॉन क्यू एन वाला मामला है। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्स एन जहाँ एक्स एन बराबर ये, मतलब पी एन अपॉन क्यू एन की हमारे पास में सीक्वेंस है, एकदिष्ट वर्धमान एवं परिबद्ध है। वहां पर क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट थे, यहाँ पर चारों को उसने इंक्लूड कर दिया, लैंग्वेज में लिख दिया एक साथ, सीमा भी हमें बात करनी है, और इसके साथ साथ, इसके साथ साथ बेटा हमें क्या भी निकालना है यहाँ से, सर जी एन नॉट 1/100 का मान भी निकालना होगा। हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, एन नॉट एप्सिलॉन निकालते हैं, बोलो हाँ या ना। एन नॉट डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, एक प्राकृत संख्या एन नॉट का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि जो एन नॉट होगा वो एप्सिलॉन पर डिपेंड होता है, ध्यान रखना। तो एन नॉट की जो वैल्यू आएगी, जो भी आएगी, इधर आप एप्सिलॉन की वैल्यू लिखेंगे 1/100, सोल्व करेंगे जो आएगा वो आ जाएगा, सीधी सी बात है। चलू मैं, चलू ना, दो चार सोच रहे, चलो सर जी। हाँ कॉमेडी तो नहीं कर रहे हो तुम लोग बाग, ये हो रहा है, कमेंट और बंद नहीं हुए होंगे तुम्हारे, है ना, कमेंट और बंद नहीं हुए होंगे, हो गए क्या, पानी पी लेते हैं यार। हाँ जी,
चलिए यहां से बेटा आप लोग सुनिएगा बेटा। तो ये हमारे पास में सीक्वेंस थी एक्स एन, प्रूव दैट सीक्वेंस एक्स एन वेयर एक्स एन इक्वल टू ये इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स लिमिट एंड फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, आपको एन नॉट एप्सिलॉन भी फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड एन नॉट वन अपॉन हंड्रेड। क्लियर? प्रोसेसिंग वो की वो है, बस एक्स्ट्रा में इसमें काम जो करना है वो ये एन नॉट वन अपॉन हंड्रेड के लिए करना होगा। चले आइएगा। हाँ, सबसे पहले हमने बताया था कि पी एन अपॉन क्यू एन की सीक्वेंस के लिए हम एक्स वन और एक्स टू फाइंड आउट करेंगे। तो हम एन इक्वल टू वन से हमें एक्स वन मिला, एन इक्वल टू टू से हमें एक्स टू मिला, और एक्स वन और एक्स टू से हमें थोड़ा सा एहसास हुआ कि जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग बन सकती है या डिक्रीजिंग बन सकती है। सीधी सी बात है, लेकिन पुख्ता प्रमाण गारंटी कौन देगा बेटा? एक्स एन और एक्स एन प्लस वन। कॉमेडी भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन आप लोगों ने मना कर रखी है कि सर जी केवल और केवल रिवीजन क्लास होनी चाहिए। हाँ, केवल और केवल रिवीजन क्लास होनी चाहिए, हमारे पास समय नहीं है। आपने ही बोला था, हम तो केवल पढ़ा रहे हैं, हमसे बगैर कॉमेडी करे हुए पढ़ाया भी नहीं जाता, क्या करें? ठीक है ना? मतलब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो लानी जरूरी है ना भैया। और रियल एनालिसिस ऐसा पेपर है, पहले तो खूब हंसो, जितना मन करता है उतना आप लोग मुस्कुराइए, हंस लीजिए, आपका माइंड पूरी तरह से खाली हो जाता है। फिर स्पीड से आप चीजों को पढ़िए, थ्योराम्स हैं सब कुछ, खतरनाक इंटरेस्ट आएगा। लेकिन मालूम चला तुम्हारा तो पहले ही से खाली है। समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो क्या? मालूम चला तुम्हारा तो, अरे सर जी क्या बात कर रहे हो, हमारा तो पहले से सब कुछ खाली है, बस आप तो इसमें लाइए फटाफट रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल, फटाफट आप डालिए ताकि बढ़ जाए, और एग्जाम में जा करके बस लिखना है। क्या लिख रहे हैं पता नहीं है। ऐसा मत करना, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से काम करना, फुल में से फुल मार्क्स आने चाहिए, ठीक है ना? अगर मुझे कुछ कम लगेगा तो मैं यहां अटैच कर दूंगा, लेकिन मार्क्स कटने नहीं चाहिए बस। बेटा वैसे भी एग्जाम में आ क्या रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, एग्जाम को कचरा बना दिया है ये मान के चलो आप लोग। अगर किसी बच्चे के अगर अभी भी पासिंग मार्क्स भी नहीं आते हैं ना, फिर उसका हमारा साक्षात प्रणाम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उसको हमारा, ठीक है ना? मतलब जो आपको पता है देवी देवताओं की पूरी डोक देते हैं ना, उस प्रकार की डोक आप एक्सेप्ट कर लेना जो भी आप में से हो, ठीक है ना? चलिए हरा कीजिए। आत्म कहां थे? हाँ, अरे काय का पास्ट पेपर देख रहे हो यार? अभी भी अगर पास्ट पेपर देखने की आवश्यकता है ना तो यहां से निकल ले भैया। कौन है? दीक्षिता। अरे दीक्षिता, आपका नाम देखो बेटा, दीक्षा भी है इसमें, शिक्षा भी है। फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। दीक्षिता, दीक्षा भी है, शिक्षा भी है। हाँ कहां थे? हाँ डॉग देने में थे, है ना? या तो एक्सएन आया, एक्सएन प्लस वन हमें मिला, एक्सएन प्लस वन माइनस एक्सएन हमें करना होगा और इसको सोल्व करना होगा। ये देख लीजिए, सोल्व करना मैं जानता नहीं हूं भैया, मैं सब कुछ भूल चुका हूं, प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है ना? ये लीजिए भैया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, वन अपॉन टू एन प्लस थ्री, टू एन प्लस वन। ये जीरो तभी आएगा जब एन इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, लेकिन एन इक्वल टू इन्फिनिटी तक हम पहुंचेंगे नहीं, सीधी सी बात, वो तो अजम्पशन होता है भैया। चले पता आपको, राकेश जी ना साथ साथ पेज मिला रहे हैं, कितने पेज हो गए, और बता रहे हैं कि सर जी अभी तो बहुत सारे बचे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारे पास में जो सीक्वेंस है एन अपॉन टू एन प्लस वन है, जो भी है बेटा, वो हमारे पास में क्यों हो गई? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो चुकी, एकदिष्ट वर्धमान हो गई। अब हमें उसको बाउंड बताना है बेटा। इंक्रीजिंग अगर कोई सीक्वेंस है तो उसका जो पहला टर्म्स है वो लोअर बाउंड का कार्य करेगा। अब आपका कार्य केवल और केवल इतना है, आप उसका अपर बाउंड बता दीजिएगा, वो जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बन जाएगी। बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है ना? चले यहां से आगे देखिएगा अब आगे। हाँ जी, थोड़ा हमारे पास में यहां से एक्शन है,
बाउंड बताने के लिए अगर हमें अपर बाउंड की आवश्यकता होगी तो हमें पी एन अपॉन क्यू एन, पी एन में क्यू एन से डिवाइड करना होगा। इसके अलावा कुछ हम जानते भी नहीं हैं। और तो हमने डिवाइड किया बेटा, और डिवाइड करना हमसे कोई पूछिएगा ना, क्योंकि हम भी भूल गए डिवाइड कैसे करते हैं ठीक है ना। डिवाइड करना आप जानते हैं ना, बस समझ लो, बस आप हमारा इशारा इतना ही बहुत। हाँ तो यहां से देखिए 1/2 माइनस हो रहा है बेटा। अब अगर n इक्वल टू इनफिनिटी भी अगर एजम्पशन करेंगे तो भी इसकी वैल्यू 1/2 है, वरना उससे लेस ही है। मतलब अपर बाउंड जो बन सकता है लास्ट एंड लास्ट फाइनल 1/2 बन सकता है, वरना उसके सभी टर्म्स हमारे पास में 1/2 से क्या होंगे, लेस होंगे। जो हमारा एजम्पशन होगा x इनफिनिटी वो 1/2 बन सकता है, वरना सारे 1 के और 1/2 के मतलब किस किस के बीच में आ रहे हैं। ये हमारे पास में कितना था इसका n अपॉन 2n प्लस 1 n इक्वल टू 1 अपॉन 3 जो भी आ रहा है x1 वो, तो x1 और जो उसका 1/2 है उसके बीच में आ गए ना, तो जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड हो चुकी। तो हमारे पास में यहां से बड़ा आता है xn परिबद्ध क्रम है, xn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। यहां तक बात क्लियर, चले आगे, यहां से चलते आगे। उसके बाद में हमारा नोट आएगा, चूंकि हम जानते हैं प्रत्येक एकदिष्ट वर्धमान एवं परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी होती है, तो जो सीक्वेंस हमारे पास में गिवन है दिया गया अनुक्रम अभिसारी है। सिंस वी नो दैट एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, हेंस गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। बेटा अब हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो उसके दोनों साइड लिमिट लगा दीजिए। ये लीजिए, हाँ मतलब आप ये जो चैट बॉक्स चल रहे हैं ना, आप इसको डिसेबल करा के ही रहोगे है ना, ये बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्लास रिकॉर्डेड और नहीं मिलेगी, केवल लाइव चल रही है, रिकॉर्डेड क्लास और नहीं मिल रही, ध्यान रखना चलिए हाँ xn हुआ, हमने लिमिट लगाई, हमारे पास 1/2 आई। अब हमें एन नॉट और फाइंड आउट करना है बेटा, और आपको पता है एन नॉट हमारे पास में किस में आता है, डेफिनेशन ऑफ लिमिट में आता है, सीमा में आता है, सीमा की परिभाषा में आता है कि सर हमारे पास में मोड एक्स एन माइनस का यहां से मोड एक्स एन माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन, ये हमारे पास में यहां, और एन कोमा एन नॉट बिलोंग टू एन, ठीक है ना। तो बेटा हमें क्या ढूंढना होगा, यहां से एन नॉट ढूंढना होगा, इसका यूज करना है डेफिनेशन ऑफ लिमिट, सीमा की परिभाषा का। तो करिए मोड एक्स एन माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन, एक्स एन हमारे पास में एन अपॉन टू एन प्लस वन, माइनस का हमारे पास में कितना आ रहा है यहां से 1/2 लेस देन एप्सिलॉन, सोल्व करिएगा और एन फाइंड आउट कीजिए। यहां से पहले ये हमारे पास बेटा एन आया, ये यहां पे एन आया, तो एन नोट हमारे पास में इसके ग्रेटर इक्वल हो जाएगा ना। लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, आपको पता है हमें चाहिए क्या सर जी, एन नोट 1/100 हमें चाहिए, यहां चाहिए ना। तो सर जी हमें कुछ नहीं करना, बस एप्सिलॉन के स्थान पर 1/100 लिखना है, तो एन नोट 1/100 हमारे पास में बेटा ग्रेटर देन एंड इक्वल 1/2 हमारे पास में यहां, 1/ यहां से मेरे पास में 2, एप्सिलॉन की वैल्यू 1/100 माइनस 1, ये 50 माइनस 1 49 होगा, और आपको पता है 49/2 मेरे पास में 24.5 होगा। लेकिन एन नॉट एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृत संख्या है, तो 24.5 तो कुछ होता नहीं है, क्या होगा 25 होगा। तो यहां से हमारे पास में एन नॉट बेटा 1/100 ग्रेटर देन एंड इक्वल 24.5 के इक्वल है, उससे ग्रेटर, इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर पॉइंट भी नहीं होता है, उससे ग्रेटर कौन होगा, जस्ट 25 मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, बताइए। तो यहां तक अगर आप में से किसी को समस्या है तो आप हमें बताइए, वरना फिर हम आगे चलते हैं। बेटा ये चीजें
आप है ना ये जो वीडियो आ रहा है ना रिवीजन क्लास का, केवल दो बार देख लेना इसको, केवल दो बार देख लेना, नोट्स भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। पता है मैं उस वाले बोर्ड पे क्लास क्यों नहीं ले रहा पता आपको? वहां पर मैं केवल आपको मतलब काम काम की बातें बताता, लेकिन यहां पर एक एक वर्ड, एक एक डेफिनेशन, एक शब्द आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है, ये बेनिफिट हो जाएगा। चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत? हाँ आइएगा सभी, यहाँ बड़ा सिद्ध कीजिए, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। हाँ, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये हमें बताना है यहाँ। और ये बात हम भी जानते हैं बेटा, कन्वर्जेंट का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है ना, और डाइवर्जेंट का मतलब होता है हमारे पास में फैलना, एक्सपेंड होना, विस्तारित होना, और एक्सपेंड तो प्लस इन्फिनिटी माइनस वहीं तक जा सकता है ना, ठीक है ना। हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, एग्जाम में मिल सकती है, ध्यान रखना इस बार, गारंटी तो हमारी भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सिक्वेंस इज बाउंडेड। तो बड़ा जो हमें मानना है वो हम लिख लेंगे, जो प्रूफ करना है वो भी लिख लेंगे, कि माना एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है, तब हमें सिद्ध करना है अनुक्रम एक्स एन एक परिबद्ध अनुक्रम है, ठीक है ना। लेट एक्स एन बी कन्वर्जेंट सिक्वेंस, देन वी प्रूव दैट सिक्वेंस एक्स एन इज बाउंडेड। हम और आप लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास में सिक्वेंस एक्स एन बाउंडेड हो जाए ना, इसके लिए हमारे पास में इसके लोअर बाउंड मिल जाए और हमें अपर बाउंड मिल जाए, निम्न परिबद्ध हमें मिल जाए और उच्च परिबद्ध हमें मिल जाए, बस हम इतना चाहिए बस। अगर ऐसा मिल जाएगा तो हमारे पास में जो सीक्वेंस है वो हमारे पास में क्यों जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी, ठीक है ना। चले यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा। हाँ जी, यहाँ आइए सभी बच्चे ने, मैं इसके नोट्स पढ़ रहा था बच्चे के, तो मैंने देखा कि मतलब कहाँ कहाँ बच्चे त्रुटि करते हैं, तो यहाँ भी शायद इसने करी हुई है त्रुटि। और त्रुटि क्या है कि वो हो सकता है लिखते टाइम बेचारे को मतलब हाथ से पेन फिसल गया हो। अब ऐसे नहीं कि सर जी आगे से हम आपको नोट्स देंगे ही नहीं, ऐसे नहीं कह रहा मैं तो बता रहा हूँ, मैं आपका मान सम्मान करता हूँ, ऐसी बात नहीं है ना, बहुत मान सम्मान करता हूँ मैं कि आपने ऐसी विकट परिस्थिति में हमारी सहायता करी और जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है उनकी सहायता करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिएगा। हाँ, थोड़ा हम सीक्वेंस एक्सएन को कन्वर्जेंट लेके चल रहे हैं, अगर कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होती है तो गारंटी है हमारे पास में उसकी जो लिमिट होती है वो क्या होती है, फाइनाइट, ये हमने उसकी डेफिनेशन में सीखा है। बोले हाँ या ना? अगर हमने इसकी डेफिनेशन बेटा, अगर ये बोल दी फाइनाइट है तो इसमें लिमिट की डेफिनेशन लग जाएगी, सीमा की परिभाषा लग जाएगी, मतलब मोड एक्स एन माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन कोमा फॉर ऑल एन ग्रेटर एन नॉट। बोलो हाँ या ना? लग जाएगी ना, तुम्हारे पास में यहां से एन कोमा एन नॉट बिलोंग टू एन, ये जो डेफिनेशन में वर्ड चलते हैं वो तो है ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब कि हमें इस सीक्वेंस के लोअर बाउंड ढूंढने हैं, लोअर बाउंड ढूंढना है इसका, और इसका अपर बाउंड हमें ढूंढना है, निम्न परिबंध और हमें उच्च परिबंध इसका ढूंढना है। बोलिए हाँ या ना? ढूंढना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमने इसका मॉडुलस हटाया तो माइनस और प्लस आया, एल भैया उधर गया इधर आया। अब सुनिए मेरी बात आप लोग सभी। हाँ जी, ये कह रहा है कि एन की वैल्यू अगर एन नोट से बड़ी है, एन ग्रेटर है अगर एन नोट से, तो उसके जितने भी टर्म्स हैं वो सभी एल माइनस एप्सिलॉन से बड़े होंगे। अगर आप ये एल माइनस एप्सिलॉन लेते हो तो ये लीजिए, ये हमारे पास में क्या होगा, एक्स एन नोट प्लस वन, मेरे पास में एक्स एन नोट प्लस टू, इसके सभी टर्म्स आगे जाएंगे।
बोलो हाँ या ना, ये बात ठीक है ना आपकी रहा हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखना आप लोग, मतलब एक्स एन नॉट प्लस वन, एक्स एन नॉट प्लस टू, इसके जितने भी टर्म्स हैं वो सारे से, ठीक है ना, मतलब उनके लिए ये लोअर बाउंड हो गया। अब कितने बचे बेटा, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, डॉट डॉट एक्स एन नॉट माइनस वन और एक्स एन नॉट। यहां पर इसने ये लिखा हुआ है ना, इसके स्थान पर यहां एक्चुअल में एक्स एन नॉट है, क्या एक्स एन नॉट है, हो जाती है बच्चे से ऐसी त्रुटि, ठीक है ना। ये एक्स एन नॉट माइनस वन और ये एक्स एन नॉट है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि 101 से लेकर के 101 से लेकर के हमारे पास में आगे चल रहे हैं, तो उनमें सबसे लोअर कौन है, 101, ठीक है ना, 101 सबसे छोटा है। अब कितने बचे, 1 से लेकर के 100 तक बचे। 101 में और 1 से 100 तक में जो सबसे स्मॉल होगा, जो सबसे छोटा होगा, हमें मालूम लग जाएगा ना, 1 से 100 तक तो हम निकालने की कोशिश कर सकते हैं, हमें मालूम लग जाएगा ना कौन होगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे, उसका लोअर बाउंड बोल देंगे। बोलिए हाँ या ना। और मान लीजिए एक से लेकर के 500 तक जा रहा है, इसका मतलब 500 उसका, 101 से लेकर के 500 तक का अपर बाउंड है। 1 से लेकर के 100 तक बचे हुए हैं, तो अब 1 से 100 और 500 में से जो भी सबसे ग्रेटर होगा उसका अपर बाउंड बन जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ क्या है, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स एन नॉट माइनस वन और एक्स एन नॉट है, ये टर्म्स हैं, हम इनको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में हमारे पास में जो टर्म्स है ना, उनका लोअर बाउंड एल माइनस एप्सिलॉन है। तो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स एन नॉट माइनस वन, एक्स एन नॉट और एल माइनस एप्सिलॉन में जो सबसे कम होगा ना, हम उसको नाम दे देंगे स्मॉल के, और उनमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको दे देंगे कैपिटल के। कोई तो होगा, निकालना नहीं है, केवल बताना है उसको, ठीक है ना। वही बातचीत यहां हो रही है। इन्फिमम का मतलब होता है सबसे छोटा, मतलब हम यहां तक के लेवल में अगर सीखते हैं तो। सुप्रीम मतलब होता है सबसे बड़ा, हम इतना बोल सकते हैं यहां तक के लिए, ठीक है ना। तो हमारे पास में स्मॉल के मिल गया, कैपिटल के मिल गया, ठीक है ना। थोड़ा हमारे पास में जो सीक्वेंस एक्स एन है वो हमारे पास में क्या हो गई, बाउंडेड हो गई, और हमें यही बताना था। क्लियर, चले यहां से आगे चलिए। हाँ चलिए यहां से आगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, यहां सिद्ध कीजिए अनुक्रम एक्स एन, जहां एक्स एन बराबर ये कि लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, बोल रहा है कि सीमा का अस्तित्व तो नहीं है। सवाल अच्छा है, एक ही जैसे दो सवाल आएंगे, कंटिन्यू आएंगे, तो देख लेना आप लोग। हाँ जी, हमें बताना है बेटा इसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, डिट्टो सवाल आएगा नेक्स्ट, जो का त्यो आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। हमें बोलना है कि इसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, प्रूव दैट सीक्वेंस एक्स एन, या मेरे पास में लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्स एन बराबर माइनस वन की पावर एन डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमें बताना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि नहीं भाई, हम उसको लेके चल रहे हैं कि नहीं उसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस है, जबरदस्ती मान लिया, ठीक है ना। तो हमारे पास में यहां से देख लीजिएगा आप लोग, तो हमारे पास में सीक्वेंस है बेटा, अगर एन अगर इवन होगा, सम होगा, तो माइनस वन की पावर टू, फोर, प्लस वन बन जाएगा, और ओड है तो माइनस वन दे देगा। तब हमें सिद्ध करना है कि जो अनुक्रम एक्स एन है बेटा, इसकी सीमा का अस्तित्व तो नहीं है, वो हमें पता है, लेकिन प्रूफ करना है भैया, कहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो बेटा हम इसको गलत लेके चलेंगे, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन इसका लेके चलेंगे, विरोधाभास द्वारा सिद्ध करेंगे कि इसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस है, जबरदस्ती मान लिया, ठीक है ना। अगर लिमिट का एग्जिस्टेंस है तो लिमिट मानिए आप, तो मैंने इसकी लिमिट मान ली एल, ये लीजिए। अगर आप जबरदस्त उसकी लिमिट मान रहे हो तो लिमिट मानिए, अगर लिमिट है तो लिमिट की डेफिनेशन लग जाएगी, ये लिमिट की डेफिनेशन है। बोलिए, एक से दूसरे में लिंक है और अपने आप हो रहा है वो लिंक,
हम और आप नहीं कर रहे। लिमिट माना, जैसे मैंने लिमिट बोला तो उसमें लिमिट की डेफिनेशन लग गई, पहली बात। चलिए, अगर एन इवन होगा बेटा तो एक्स एन का काम कौन कर रहा है? वन कर रहा है। और अगर एन मेरे पास में ऑड होगा तो एक्स एन का काम कौन करेगा? माइनस का वन करेगा। तो दो केस आएंगे, तो वो नीचे आ रहे हैं, डिस्कस देख लेना। यदि एक्स एन एक सम अगर एन हमारे पास में समसंख्या है, अगर एक्स मतलब मेरे पास में अगर एन इवन है तो जो एक्स एन होगा वो प्लस वन होगा, और अगर एन विषम संख्या ओड है तो माइनस वन होगा। क्या कह रहे हैं? हाँ, तुम्हारे पास में अगर एन इवन है तो एक्स एन बराबर वन, तो बेटा आप इसमें लिखिए इसको। तुम्हारे पास वन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इक्वेशन नंबर एक, अगर ओड है तो माइनस वन होगा, तो ये हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम इसमें टर्म्स लेके चल रहे हैं, देख लेना क्या टू लेके चल रहे हैं आप, है ना। स्कोर इसको ऐड करिए, वन माइनस एल प्लस वन माइनस एल, हमारे पास में टू आया। जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर जी आप इसमें टू क्यों लेके चल रहे हो, तो हमारे पास में उसको सेटिस्फाई करने के दो आंसर होते हैं कि भैया एक तो इसको प्रूफ करना है, और दूसरा एक ट्रिक है कि हमारे पास में वन माइनस एल और वन प्लस एल को आप ऐड करिए कितना आ रहा है, टू, इसलिए टू लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, बड़ा टू है तो हमारे पास में टू पॉजिटिव है, इस पे मैं मॉडुलस लगा सकता हूँ। तो हमारे पास है वन प्लस एल, वन माइनस एल, तो प्लस एल किया, माइनस एल किया, क्यों किया? क्योंकि गलत हमें बताना है और इनकी वैल्यू हमारे पास में है। तो हमारे पास में ये वन प्लस एल और वन माइनस एल हुआ, ये वन प्लस एल वन माइनस एल हुआ, यहां से हमारे पास में वन प्लस एल, इसको हमने ए प्लस बी मिला, तो ये हमारे पास में इस वाली प्रॉपर्टी को पूरे कर रहे हैं कि हमारे पास में मोड ए प्लस बी लेस देन एंड इक्वल मोड ए प्लस मोड बी, तो मोड ए प्लस मोड बी। ठीक है ना, तो हमारे पास में यहां से मोड वन प्लस एल की वैल्यू हमारे पास में ऊपर थी, लेस देन एप्सिलॉन, ये लिख दिया। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास में क्या था बेटा, वन प्लस एल की लेस देन एप्सिलॉन, हमने ये लिख दिया। टू लेस देन हमारे पास में टू एप्सिलॉन आ गया, और एप्सिलॉन हमारे ऊपर डिपेंड रहता है, जहां हमें चीजों को गलत साबित करना होगा हम वहां पर उसको टेंज टू जीरो ले सकते हैं। तो टेकिंग एप्सिलॉन टेंज टू जीरो, एप्सिलॉन टेंज टू जीरो लेने पर टू हमारे पास में लेस देन जीरो, तो मतलब समझ लीजिएगा आप लोग, इसका टू लेस देन जीरो कभी हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। तो हमारे पास में जो कि असत्य है, अतः हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना असत्य है, हमारे जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है, अतः हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में क्या कि हमारे पास में जो सीक्वेंस एक्स एन बराबर माइनस वन की पावर एन है ना, इसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है ना, देख लीजिए आप लोग यहाँ मेरे हिसाब से, अब हम आपको बता भी कैसे सकते हैं पूरे एक साथ। हाँ जी, ठीक है, बोलिए। हाँ जी, चलिए यहां से बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिट्टो क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है ना, और हमारे पास में यहाँ पे बेटा उस वाले में हमारे पास में क्या था, माइनस वन और प्लस वन, यहाँ पर वन और जीरो है। डिट्टो क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन, आप देख लीजिए यहाँ। ठीक है ना, बेटा कन्वर्जेंट हमारे पास में, या हमें बताना है कि इसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हम रॉन्ग लेके चलते हैं कि लिमिट का एग्जिस्टेंस है। अगर लिमिट का एग्जिस्टेंस है तो वो हमने एल ले लिया, और जैसे हम एल लेंगे तो उसमें लिमिट की डेफिनेशन लग जाएगी, अगर डेफिनेशन लगेगी तो डेफिनेशन फॉलो करेगा। देखिए आप, अगर एन इवन है तो एक्स एन बराबर वन, और अगर एन ओड है तो एक्स एन बराबर जीरो, आप इसमें पुट करिए दोनों, इक्वेशन नंबर टू और थ्री मिल जाए। हम वन लेकर के कार्य कर रहे हैं, उस वाले में टू लेकर के कार्य कर रहे थे, क्योंकि वन माइनस एल और वन प्लस एल का सम टू आ रहा था, या वन माइनस एल और एल का सम बेटा वन आ रहा है, तो वन।
कोई दिक्कत, चले यहां तक। तो हमारे पास में यहां से बेटा वन लेस देन एंड इक्वल मोड वन माइनस एल प्लस ये, तो हमारे पास में ये गलत बातें हो गई। तो अब बताइए अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो। हाँ, और अब आप लोग सभी अपनी अपनी आंखें खोल लेना, आप लोग सभी अपने अपने नेत्र ओपन कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि आपको यहां पर शायद कुछ दिखाई देगा, ठीक है ना, 2021 दिखाई दे रहा होगा शायद, ठीक है। हाँ जी, चलें ये लीजिए। हाँ बेटा, हमारे पास में जो अब टॉपिक आने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट है, और आगे हम इसी के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, कि हमारे पास में कोई भी एक सीक्वेंस है, हमारे पास में कोई भी एक अनुक्रम है, वो कन्वर्जेंट है, वो अभिसारी है, उसकी आवश्यक और पर्याप्त शर्त आए, नेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है। अगर कन्वर्जेंट है तो ये होगा, अगर ऐसा है तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक ना। तो आपसे बेटा वो स्टेटमेंट भी लिखवा सकता है कि अनुक्रम एक्स एन के अभिसरण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध का कथन दीजिए एवं सिद्ध कीजिए, स्टेट एंड प्रूव नेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए सीक्वेंस एक्स एन टू बी कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट आपको देना है, स्टेटमेंट देना है, तो स्टेटमेंट तो इसका बहुत ही आसान है, ये मान के चलो आप लोग, तो शायद वो आपको याद भी होगा। आप देख सकते हो यहां, ये हमारा स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट क्या है सुनना, यदि मेरे पास में अनुक्रम एक्स एन एक परिबद्ध अनुक्रम, मेरे पास में अगर हमारे पास में एक सीक्वेंस है बेटा एक्स एन, ये हमारे पास में कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट हम लेट करके चल रहे हैं, तो हमें प्रूफ करना होगा कि सीक्वेंस एक्स एन है वो बाउंडेड है, और उसके पास में जो लिमिट पॉइंट है वो अद्वितीय है, यूनिक लिमिट पॉइंट, ठीक है ना। मतलब कन्वर्जेंट है तो हमें बताना है कि बाउंडेड और यूनिक लिमिट पॉइंट अद्वितीय सीमा बिंदु है, उसके बाद में उसका जस्ट अपोजिट होगा, क्लियर। चलो मैं यहां से आगे, तो स्टेटमेंट इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक अनुक्रम एक्स एन अभिसारी अनुक्रम है, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि का मतलब होता है कि आवश्यक और पर्याप्त शर्त, यदि एक बार और दी आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ नेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, क्लियर ना। चले यहां से आगे, तो इंग्लिश वाले सुन लीजिएगा आप लोग, ए सीक्वेंस एक्स एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस एक्स एन इज बाउंडेड एंड सीक्वेंस एक्स एन हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। चले यहां से आगे, अब कंफर्म में चल सकता हूं ना, मतलब कि याद होना चाहिए अब कि सर ने बोला था अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी और यूनिक लिमिट पॉइंट रखेगी, अद्वितीय सीमा बिंदु, ये होती है आवश्यक शर्त। सफिशियंट पर्याप्त में क्या होगा बेटा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, कि सीक्वेंस एक्स एन सर हम बाउंडेड और यूनिक लिमिट पॉइंट मान के चलेंगे, परिबद्ध और अद्वितीय सीमा बिंदु मान के चलेंगे, और हमें बताना होगा कि जो सीक्वेंस एक्स एन है वो हमारे पास में कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। तो मैं यहां से आगे बढ़ सकता हूं, चलिए देखिएगा बड़ा आवश्यक शर्त हमारी, यहां पर आप देखते भी रहना साथ ना। हाँ, आवश्यक शर्त बड़ा नेसरी कंडीशन में हम मान के चलें, जो हमें लेट करके चलना है वो हम लेट कर लेते हैं, जो प्रूफ करना होगा वो उसको हम प्रूफ में लिख लेंगे। माना एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है, तब हमें सिद्ध करना है पहला स्टेटमेंट, अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, सेकंड अनुक्रम एक्स एन के पास में अद्वितीय सीमा बिंदु है, ये दो चीजें हैं, ठीक है ना। लेट एक्स एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देन वी प्रूव दैट फर्स्ट एक्स एन इज बाउंडेड एंड सेकंड एक्स एन हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। पहला पहला प्रूफ करना है कि एक्स एन बाउंडेड, एक्स एन परिबद्ध, डायरेक्ट लिखना बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरे पास में एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस,
क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम होती है, हमने प्रूव कर लिया पहले, या नहीं करना या केवल और केवल उसका स्टेटमेंट लिख के छोड़ना है। चूंकि हम जानते हैं प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है, सिंस वी नो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, डायरेक्ट लिख के छोड़ना है। सेकेंड बेटा, अब हमें बताना है कि उसके पास में यूनिक लिमिट पॉइंट है। क्लियर? अब मेरी बात सुन लीजिएगा आप लोग, सुन लीजिएगा आप लोग बेटा, हमें बताना है कि अद्वितीय सीमा बिंदु है, यूनिक लिमिट पॉइंट है बेटा। मैथमेटिक्स में यूनिक अगर प्रूव करना होता है तो हमें इसका गलत लेके चलना होता है, कॉन्ट्रडिक्शन, कि भैया यूनिक नहीं है, क्या है, एक से ज्यादा मतलब दो है। चलिए हम मान के चल लेते हैं कि माना एल्फा और बीटा उसके दो भिन्न सीमा बिंदु हैं, लेट एल्फा एंड बीटा आर टू डिस्टिंक्ट लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एक्स। चलिए, तो ये एल्फा और ये बीटा भैया, ठीक है ना। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है बेटा, अगर मैं ये मानना चाहूं कि उसकी जो लिमिट है वो अगर हमारे पास में अगर एल्फा हुई तो, क्योंकि भैया ये एल्फा है ये बीटा है, एल्फा बीटा में से कोई ना कोई मेरे पास में दोनों में से एक उसकी लिमिट बनेगी, हम एल्फा लेके चल सकते हैं, आपका मन करता है आप बीटा लेके चल सकते हो। चलिए यहां से, तो अगर एल्फा अगर उसकी लिमिट है तो बेटा मोड एक्स एन माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन हमारे पास में है, फॉर ऑल एन ग्रेटर मेरे पास में एन नॉट है, और एन कोमा एन नॉट बिलोंग टू मेरे पास में है। सुनना बाप लो, अगर एल्फा मेरा अगर लिमिट पॉइंट है, अगर एल्फा मेरा सीमा बिंदु है, तो डेफिनेशन टू के अनुसार, परिभाषा दो के अनुसार एल्फा अपने नेबरहुड में सीक्वेंस एक्स एन के अनंत पद कंटेन करता है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, यही होती है ना। अगर एल्फा अगर मेरे पास में, अगर मेरे पास में मान लो अगर लिमिट पॉइंट है, तो एल्फा हमारे पास में सीक्वेंस एक्स एन के इनफाइनाइट टर्म्स ले जाएगा। बच्चे कितने? फाइनाइट। बच्चे कितने? फाइनाइट। सुनेगा आप लोग, अगर एल्फा अगर उसकी लिमिट है और ये कहता है कि एन ग्रेटर देन एन नॉट, मतलब मैंने एक से एन नॉट तक के छोड़ दिए, उसके बाद में सारे इसके पड़ोसी हैं, सारे एक से एन नॉट तक मैंने छोड़ दिए, उसके बाद सारे इसके पड़ोसी हैं, क्योंकि एल्फा उसकी लिमिट हम लेके चल रहे हैं, तो लिमिट का मतलब होता है कन्वर्ज, उसकी सभी पद उसकी ओर भागने की कोशिश करें। क्लियर? चले यहां से आगे, तो अगर हमारे पास में अगर एल्फा अगर हमारी सीमा है, लिमिट है, क्योंकि हमें मानना तो पड़ेगा क्योंकि कन्वर्जेंट है, अभी सारे हम लेके चल रहे हैं, तो एल्फा अपने नेबरहुड में उसके कितने टर्म्स ले जाएगा, इनफिनाइट, बाहर कितने छोड़ेगा, फाइनाइट। तो बीटा इसका लिमिट पॉइंट बन सकता है क्या? नहीं ना, वही चीज इसमें लिखी हुई है नीचे जो अभी बांचने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या करने वाले हैं? बांचने वाले हैं, देख लीजिए। हाँ, ये वही है, अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है, अतः एक्स एन परिबद्ध अनुक्रम है। अब हमें सिद्ध करना है अभिसारी अनुक्रम एक्स एन अद्वितीय सीमा बिंदु रखती है, इसको हम विरोधाभास द्वारा सिद्ध करते हैं, यदि संभव हो तो माना दो भिन्न सीमा बिंदु एल्फा बीटा है, वो ही लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। बेटा एक बात सुन लीजिएगा आप लोग, अगर मुझे पता है स्टूडेंट्स के पास में, बच्चों के पास में डाटा का इश्यू होता है, मुझे पता है क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था, मगर अफसोस उस टाइम नेट का जमाना नहीं था, हमारे लिए नहीं था, लेकिन आज के लिए समय ऐसा है कि नेट के बगैर कुछ है ही नहीं। बेटा देखो, आपकी आप जहां भी जिस सर के पास में फिजिक्स पढ़ रहे हो उनके पास में रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, जहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उनके पास में चल रही होंगी, आप मेरे पास मैथ्स पढ़ रहे हो मैथ्स के पास में मैथ्स की भी चल रही है, यहाँ थोड़ा डाटा का इश्यू तो आएगा। अब आपको 1.5 GB मिलता है, उस 1.5 GB में से आपको 500 MB तो खुद के लिए बचानी है, क्योंकि वो काम आएगी आगे। अब क्या काम आएगी वो तो आपको पता है, लेकिन काम जरूर आएगी,
वो पहले है, उसको आप पहले ही करके चलते हो, मुझे पता है, विश्वास है। टेंशन मतलब आप लोग है ना भैया, उस 500 MB को काम में ले लो, ठीक है ना, आज आज के लिए, मतलब जब तक हमारी रिवीजन क्लास चले तब तक। और मेरी बात सुन लीजिए बेटा, क्योंकि आपको 10 से 10 या 11 दिन आपको डाटा का, आपके सामने डाटा का इश्यू आएगा ही आएगा, तो आप लोग ऐसा करिए, एक्स्ट्रा रिचार्ज करा लीजिए डाटा पैक का। लिखा आता है ना डाटा एड ऑन, लिखा ना 98 में 12 GB आता है, ठीक है ना, और आपके पास में जो सिम है जिस कंपनी की है वहां पर जाइए, वहां देख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन आपको एक्स्ट्रा डाटा का रिचार्ज तो कराना पड़ेगा, अगर रिवीजन क्लास से लेनी है तो, सीधी सी बात, ठीक है ना। नहीं तो अगर कोई बच्चा यहाँ पर, अगर अभी राकेश जी कह रहे हैं कि इनसे बोल दो कि लाइब्रेरी लगा लेंगे, मैं भैया लाइब्रेरी के सख्त खिलाफ होता हूँ। सीधी सी बात है, जब आप जयपुर में रह रहे हो, 5-6 हज़ार रुपये आप रूम के दे रहे हो, फिर किस बात की लाइब्रेरी, रूम में बैठ के आराम से पढ़ो, आपके पास में आपके घर वाले तो आ नहीं रहे। अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो 5-6 हज़ार रुपये का रूम लेकर के, इससे बढ़िया आप अपने जो सामान है ना वो स्टेशन पे डाल दो एक जगह, क्योंकि आपको पढ़ना तो है ही नहीं, वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ना है, क्यों आप फालतू में 5-6 हज़ार रुपये दे रहे हो। हम लाइब्रेरी के सख्त खिलाफ हैं, ठीक है ना, हम लाइब्रेरी के सख्त खिलाफ हैं। अगर आप में से कोई ज्वाइन कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, वो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि छोड़ दो आप लोग, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगर आपको अच्छा वो लगता है तो आप बेशक ज्वाइन करिए, ठीक है ना। चलिए आगे। हाँ तो भैया हमारे पास में एल्फा और बीटा, इसके दो लिमिट पॉइंट हम लेके चल रहे थे, हमें एल्फा और बीटा में से कोई हमें लिमिट लेना होगा, क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है अभी सारी है। अगर एल्फा, अगर उसकी लिमिट है तो भैया हमने उसमें लिमिट की डेफिनेशन लगा दी। अगर एल्फा, अगर लिमिट है, लिमिट की डेफिनेशन लगाई तो बेटा इसको मैंने ऐसे लिख लिया, एन के अनंत मानों के लिए, वो 1 से n0 तक छोड़ देगा, उसके बाद तो सारे इसके पास में है, मॉडुलस हटाया माइनस प्लस आया, ठीक है ना। अब ये हमारे पास में बेटा जो एल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन एल्फा प्लस एप्सिलॉन, इसमें सीक्वेंस के कितने टर्म्स हैं सर जी, इनफिनाइट, भार कितने बचे, फाइनाइट। यहां पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, यहाँ एन के अनंत मानों के लिए फाइनाइट, परिमित को छोड़कर, फॉर इनफिनाइट वैल्यू ऑफ एन लेफ्ट फाइनाइट टर्म्स, ठीक है ना। तो बड़ा सीधी सी बात है, बीटा के साथ में केवल और केवल कितने बच रहे हैं, फाइनाइट बच रहे हैं, तो बीटा इसका लिमिट पॉइंट बन सकता है क्या, नहीं। अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, वही बात, ठीक है ना। चलिए बेटा हमारे पास में अब आता है यहां से सफिशियंट कंडीशन, पर्याप्त शर्त, जस्ट अपोजिट, कि माना एक्स एन एक हमारे पास में परिबद्ध अनुक्रम है एवं अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है या रखती है, तब हमें सिद्ध करना है कि एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है, लेट एक्स एन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस एंड सीक्वेंस एक्स एन एज यूनिक लिमिट पॉइंट, देन वी प्रूव दैट सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्लियर ना, थोड़ा हमारे पास में सारा ये है, ये जो हमने बोला है वो इसमें लिखा हुआ है। तो हमारे पास में ये जो है ना, यहां से बड़ा यहां से जो है ना, हम इसको केवल और केवल जस्ट अपोजिट कर देंगे, केवल और केवल अपोजिट कर देंगे उल्टा यहां से। अगर एल्पा, अगर हम यूनिक लिमिट पॉइंट उसका लेके चल रहे हैं तो एल्पा लेना पड़ेगा, अगर एल्पा लेना पड़ेगा तो हम ऐसा लिखेंगे, फिर ऐसा लिखेंगे, फिर ऐसा लिखेंगे, एंड नोट तक छोड़ देंगे, फिर ऐसा लिखेंगे, अगर ऐसा लिख दिया तो कन्वर्जेंट बन जाएगी, ये बात हुई। ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, फाइनाइट छोड़ दिए, 1 से n0 छोड़ दिए, एन ग्रेटर देन n0 ले लिया। अगर ऐसा है तो ये हमारे पास में लिमिट की डेफिनेशन होती है, बोले हाँ है ना, अगर ये लिमिट की डेफिनेशन है तो हमारे पास में जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो गई, काम खत्म। अब बताइए आप, तो ये हमारे पास में सीक्वेंस एक्स एन के कन्वर्जेंट होने के लिए
अनुक्रम एक्स एन के अभिसारी होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है। नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है कि सर सीक्वेंस एक्स एन अगर कन्वर्जेंट है तो वो हमारे पास में बाउंडेड होगी और उसके पास में यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। अगर अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है तो उसके पास में वो मेरे पास में परिबद्ध होगी और अद्वितीय सीमा बिंदु रखती है, और कन्वर्स में इसका जस्ट अपोजिट अगर ऐसा है तो कन्वर्जेंट होती है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी याद हो गई होगी। रिवीजन का मतलब होता है केवल चीजों को आपके माइंड में लाना, ठीक है ना, केवल और केवल। चले बताइए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो। आपको पता है हम चाहते तो ये क्लास कलम, मतलब ये क्लास में हम यूट्यूब पे लगा सकते हैं ना, चाहते तो लगा लेते, लेकिन बेटा यूट्यूब पे मतलब फ्री क्लास देना, मतलब ये मान के चलिए अच्छा भी होता है तो बुरा भी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इन बातों का सम्मान नहीं करते कि पता नहीं यूट्यूब पे क्यों फ्री दे रहे हैं, ठीक है ना। और बेटा दूसरी बात यह कि जो बच्चे हमारे से जुलाई से जुड़े हुए हैं हम उनके साथ में धोखा नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। उन बच्चों के माँ बाप ने भी कड़ी मेहनत करके उस समय पैसों का अरेंजमेंट किया होगा, सीधी सी बात है। जब हमने फीस ली थी उस समय जब कोरोना काल चल रहा था तो हम अन्याय कैसे करते आप बताओ, ठीक है ना। और फिर भी जो भी हमारे बारे में जो जैसा सोचता है उनका वेलकम है, सोचिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है और हमारे ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मेरा नाम जब भी जैन सर जयनारायण है, बाद में भी यही रहेगा, ठीक है ना। और हम हमेशा स्टार मैथमेटिक्स के लिए कार्य करेंगे, बस मैथ्स के लिए करेंगे। हमें फिजिक्स नहीं आती और हम फिजिक्स चलाएंगे नहीं, केमिस्ट्री में आती नहीं है केमिस्ट्री हम चलाएंगे नहीं, केवल मैथ्स, केवल और केवल मैथ्स, ठीक है ना। चलिए रिवीजन करवा रहे हैं, देख लीजिए एक भी चीज अगर हम छोड़ रहे हो तो बताइए आप हमें। एक एक डेफिनेशन है, एक एक एग्जाम्पल है, सब चीज हम आपको बता रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारे पास में टाइप नंबर सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, टाइप नंबर सेकंड, हम इसको टाइप नंबर थर्ड भी बोल सकते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट था, हमारे पास में सीक्वेंस थी, बोल रहे थे कि ये टू को अभिसरित करती है, कन्वर्जेस टू टू, कन्वर्जेस टू जीरो, जीरो को अभिसरित करती है, एक्सेट्रा जो भी है जैसा भी है। क्लियर, आगे बढ़े यहां से। टाइप नंबर सेकंड में हमने ये देखा कि हमारे पास में जो सीक्वेंस है वो पी एन अपॉन क्यू एन में होती है, पी एन अपॉन क्यू एन में सीक्वेंस होती है। तो हमने उसको बेटा वहां पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बताया था, एक दिष्ट वर्धमान, अगर डिक्रीजिंग बताना होगा तो वो भी बता सकते हैं हम। उसके बाद हमने उसको बाउंडेड बताया था, उसके बाद में हमने उसको अगर सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एकदिश वर्धमान और बाउंडेड होती है तो परिबद्ध होती है तो कन्वर्जेंट अभिसारी भी हो जाती है, उसके बाद में हमने उसकी लिमिट बताई। ये टाइप नंबर थर्ड हम यहाँ बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो जो पहला टाइप होता है हम उसको इग्नोर करके चलते हैं, वो केवल और केवल लिमिट के एग्जाम्पल हैं, हम ये मान के चलते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। हाँ बेटा ये हमारा नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल है, इसको हम बोल सकते हैं कि रिकरेंस रिलेशन वाले क्वेश्चन है बेटा, ये पुनरावृत्ति संबंध वाले क्वेश्चन है, रिकरेंस रिलेशन वाले क्वेश्चन हम इनको बोल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एक्स वन या एक्स टू मतलब एक के बारे में या एक या दो के बारे में आपको जानकारी होगी और बाकी के टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में एक रिलेशन होगा, एक संबंध होगा। मैं क्या बोला, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक्स वन मिल सकता है, एक्स वन एक्स टू भी मिल सकता है, उसके आगे के टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए आपको एक रिलेशन प्रोवाइड किया जाएगा एक्स एन और एक्स एन प्लस वन में, ठीक है ना। देख लीजिए आपको, चलिए तो हमारे पास में यहां से बेटा एक्स वन मिल रहा है हमें और बाकी टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए
हमें बेटा एक रिलेशन मिलेगा, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, हम ये मान के चलिए आगे आने वाले 4 से 5 क्वेश्चन में हम इन्हीं के लिए कार्य करने वाले हैं, तो उसका पैटर्न फिक्स है, हमें उसी पैटर्न से आगे बढ़ना होगा, ठीक है ना। एक टर्म्स मिलेगा, एक पद मिलेगा, आगे हम निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारे पास में देखिए एक्स1 हमारे पास में है, तो रिकरेंस रिलेशन जो दिया गया है, जो पुनरावृत्ति संबंध जिसको हम बोल सकते हैं, एन बराबर 1 लिखेंगे बेटा तो X2 मिल जाएगा, X2 आ गया ना। एन बराबर 2 लिखेंगे तो X2 लिख देंगे यहाँ, तो X3 मिल जाएगा। X1 मिल गया, X2 मिल गया, X3 मिल गया, थोड़ा सा हिंट मिल गया कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, थोड़ा सा हिंट मिल गया। मोनोटोनिक पूछ रहा है तो उसको अटैच कर देंगे हम लोग, वो हमारा इश्यू है। चलें, देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां। और दूसरी बात, रिकरेंस रिलेशन में बेटा क्या होता है, X1, X2, X3 इनके लिए हम कार्य कर लेते हैं, X1, X2 भी सफिशियंट है, दो भी सफिशियंट है। अब हम कार्य कर रहे हैं, रिकरेंस रिलेशन क्या होता है बेटा, एक तरह से ये मैथमेटिकल इंडक्शन की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। मतलब इस क्वेश्चन में, मतलब हमने 1 के लिए ले लिया, क्योंकि हम यहाँ एन इक्वल टू 1 लिखते हैं तो हमें X2 मिल जाता है ना, 1 के लिए ले लिया। उसके बाद में हम R-1 या R के लिए मान लेते हैं, और उसके बाद में हम अगर R-1 के लिए मान लेते हैं तो R के लिए प्रूफ कर देते हैं, और अगर R के लिए मानते हैं तो R+1 के लिए प्रूफ कर देते हैं, जो तुम्हारी इच्छा है जैसे भी है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग यहाँ। हाँ जी, तो ये हमारा रिकरेंस रिलेशन है वाला क्वेश्चन है, ये मान के चलिए। तो X1 X2 हमने देख लिया, थोड़ा सा एहसास हुआ तो हमने यहाँ लेट कर लिया बेटा कि XR-1 लेस देन XR है, 1 के लिए हो गया, R-1 के लिए मान लिया और R के लिए हम प्रूफ कर देंगे। राइट से देखोगे तो 2 हो गया, R के लिए मान लिया, R+1 के लिए प्रूफ कर देंगे। जैसा भी है, जिस भी तरह से तुम्हारा मन करता है कर लीजिएगा, मतलब हम यहाँ पर केवल इतना आपसे कहना चाहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सीखने के लिए रिकरेंस रिलेशन का नाम दे सकते हैं, उनको हमें किस तरह से सोल्व करना है उनका एक फिक्स प्रोसेस है, फिक्स है, हमें ऐसा ऐसा ही करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का उपयोग करना है, गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करना है, तो उसके लिए आपको पता क्या करना होगा, ठीक है ना। तो ये हमने मान लिया, लेट माना XR-1 लेस देन XR। चलें अब आइए, तो हम यहां से एक बार 2xn+1/3 है, देखिएगा आप लोग, अब यहां थोड़े यहां से हम ये करके चल रहे हैं कि हमारे पास में जो XR-1 है वो बेटा मेरे पास में लेस देन XR है, हमें पता नहीं ये दो दो रंग कैसे दे रहे हैं एक साथ। हाँ बस आप वर्ड देखिएगा, ठीक है ना। तो हम प्रूफ करेंगे कि हमारे पास में जो XR है ना, ये हमारे पास में क्या हो जाए, लेस देन XR+1 हो जाए, +1 है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से, गणितीय आगमन सिद्धांत से हम बोल देंगे कि हमारे पास में जो सीक्वेंस है वो हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग का बिहेव करती है तो वैसे बोल देंगे, डिक्रीजिंग करती है तो डिक्रीजिंग का बोल देंगे, जिस तरह से वो बिहेव शो करेगी हम उसको उस तरह से डिफाइन कर देंगे वहां। क्लियर, चलिए आगे बढ़ो। हाँ देखिए आप लोग सभी, एक बार बेटा हमारे पास में जो था वो हमारे पास में क्या था, XN+1 था, बराबर हमारे पास में क्या, 2xn+1/3 है, ये है। इसके लिए बेटा हम मान चुके हैं, किसके लिए मान चुके हैं, कि XR लेस देन हमारे पास में हुआ, या XR-1 लेस देन हमारे पास में XR है, ठीक है ना। अब हमें काम करना है बेटा किस किस के लिए, XR के लिए और XR+1 के लिए, ये लाने हैं। XR+1 के लिए कुछ नहीं है, आप यहां n के स्थान पर R लिख दीजिएगा तो XR+1 मिल जाएगा। तो XR+1 कितना हुआ आपके पास में,
एक्स आर प्लस वन बराबर टू एक्स आर प्लस वन अपॉन थ्री हुआ। एक्स आर के लिए बेटा यहां आर लाना है, इसका मतलब सर जी एन प्लस वन बराबर हमें आर लाना है, मतलब एन बराबर अगर हम यहां आर माइनस वन लिख दें तो हमें एक्स आर मिल जाएगा। थोड़ा जो हमारे पास में रिलेशन प्रोवाइड किया जाएगा उससे हमें एक्स आर और एक्स आर प्लस वन कैसे बनाना है मालूम चल गया होगा, कोई दिक्कत? अगर हमारे पास में एक्स एन प्लस वन है तो आप एन इक्वल टू आर लिख दीजिए तो एक्स आर प्लस वन बन जाएगा, एन इक्वल टू आर माइनस वन लिखोगे तो एक्स आर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। उसके पश्चात बेटा आप है ना एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर कीजिए और सोल्व कीजिए, अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो हमारे पास में एक्स आर प्लस वन ग्रेटर एक्स आर हो जाएगा जो हम बोलना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सोल्व आप कर सकते हो। बोले हाँ या ना? हाँ जी राकेश जी चले आओ। हाँ जी तो हमारे पास बड़े यहां से हमारे पास में एक्स आर हुआ, एक्स आर प्लस वन हुआ, नेगेटिव किया, हमारे पास में सोल्व वोल मुझे आता नहीं है आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारे पास मिला। और हम बेटा मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में जो एक्स आर है, जो एक्स आर माइनस वन वो लेस देन एक्स आर है, मतलब एक्स आर ग्रेटर है ना, इसका मतलब अगर एक्स आर ग्रेटर बड़ा है ये छोटा है तो क्या वैल्यू देगा? ग्रेटर देन जीरो। सर जी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन से बेटा एक्स वन लेस देन एक्स टू लेस देन एक्स थ्री एक्स आर माइनस वन एक्स आर प्लस वन, तो जो सीक्वेंस है वो गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमारे पास में क्या हो गई? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गई, एकदिश वर्धमान हो गई, देख लीजिएगा आप लोग। चलें दूसरी बात सुन लीजिएगा आप लोग, अगर रिकरेंस रिलेशन वाली अगर मेरे पास में सीक्वेंस आएगी, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताने के पश्चात हमें उसको बाउंडेड परिबद्ध भी बताना होगा, तो हम उसके लिए कार्य नहीं करेंगे, सुन लेना आप लोग। कैसे करना है वो देख लीजिएगा। अगर हमारे पास में जो एक्स वन है ना, अगर ये वन बाई टू आ रहा है, अगर एक्स वन हमारे पास में अगर ये वन बाई टू आ रहा है और आपको पता है कि ये हमारे पास बड़ा इंक्रीजिंग है, तो इसका जस्ट नेक्स्ट इंटीजर हमारे पास में जो होगा, जस्ट नेक्स्ट इंटीजर वन बाई टू से बड़ा कौन होगा बेटा? वन। बोलिए हाँ या ना? तो जस्ट नेक्स्ट इंटीजर हमारा अपर बाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अपर बाउंड बन जाएगा जस्ट नेक्स्ट इंटीजर। चेक नहीं करना है और आप फाइंड आउट करने की कोशिश भी मत करिएगा, ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला आपने सुना कि ये चीजें याद करिए, अब सारी चीज याद आ रही होंगी आपके दमा दम स्पीड में, है ना? आ रही होंगी ना, हमें विश्वास आ रही होंगी। तो हमारे पास में यहां से अगर इंक्रीजिंग है तो हमें एक्स वन मालूम होगा और इस एक्स वन का जस्ट नेक्स्ट इंटीजर हमारा अपर बाउंड होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। एक बात और रह गई इसमें, वो सुन लीजिएगा। क्या जैसे मान लीजिए वन बाई टू है और यहां पर मैं केवल अभी लेस देन लिख रहा हूं, सर जी यहां पर हमें इक्वल लिखना है या केवल लेस लिखना है, मतलब क्या लिखना है? या तो सर जी हमें ये लिखना होगा या सर जी हमें ये लिखना होगा, दो चीजें। हम पहले केवल लेस लिखेंगे, हमारे पास में सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर उसकी लिमिट वन के इक्वल आती है तो हम यहां पर इक्वल लगा देंगे, ध्यान रखना पहले इक्वल मत लगाना वरना फिर क्रॉस वगैरह हो जाएगा, कट्टा स्पासी जिसको आप बोलते हो, पहले केवल लेस लगाना। अगर लिमिट की वैल्यू हमारे पास में उसके इक्वल आती है तो हम यहाँ लेस देन एंड इक्वल लगा देंगे, ये ध्यान रखना। और ये सारी चीजें हमने आपको सिखाई थी अच्छे से और अब भी सिखा रहा हूं। चले चलिए आगे बढ़ते, तो वही चीज है, यहां से देखिएगा। तो हमारे पास में यहां से बड़ा ये हमारे पास में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गई, एकदिष्ट वर्धमान हो गई। तो हमारे पास में यहां से देख लीजिएगा,
बेटा हमारे पास में अगर ये इसका फर्स्ट है तो इसे नेक्स्ट इंटीजर हमारे पास में बेटा 1 है, ये बाद में बच्चे ने लगाया होगा जब हमने बोला होगा। स्टार्टिंग में जब आप काम कर रहे हो तब मत लगाइएगा, अगर आपकी लिमिट उसके इक्वल आती है तो अब मैं बेशक यहाँ लगा सकता हूँ, ध्यान रखना। चलें बड़े यहाँ से आगे, तो हमारे पास में ये आया। देखिए क्या होता है, कई बार इक्वल लगा देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं लगाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेस भी काम कर सकता है, लेस देन एंड इक्वल भी काम कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से, ठीक है ना। आइए बेटा, तो हमारे पास में ये वो नोट आ गया हमारा। अब यहां पर तो हमारे पास में जो सीक्वेंस है वो हमारे पास में क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। सीक्वेंस कन्वर्जेंट होने के बाद में हम बेटा उसकी लिमिट निकाल सकते हैं। लिमिट निकालने के लिए आपको पता है, अगर मैं एक्स इन्फिनिटी अनंत हुआ पद निकालूंगा, वो और इन्फिनिटी प्लस 1 दोनों सेम ही होते हैं, आपको पता है, इन्फिनिटी लिखूं मैं, इन्फिनिटी -1 लिखूं, इन्फिनिटी +1 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो मैं यहां पर क्या लेके चलूंगा, लिमिट के लिए सुन लीजिएगा कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर एल होगा, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन +1 भी एल होगा, मतलब एक्स इन्फिनिटी भी एल है और एक्स इन्फिनिटी +1 भी एल है, हम ऐसा सीखने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब ध्यान में रखने के लिए बोल सकते हैं। तो हमारे पास में तो हमें एल निकालना होगा, तो देख लीजिएगा आप लोग बेटा, इसके दोनों से टैप करो, तो ये हमारे पास में 2xn, ये एल हुआ, ये एल हुआ, अब एल निकालिए, एल इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 1 आया है इसीलिए हमने वहां पर लेस देन एंड इक्वल टू 1 लिखा है, वरना हम केवल लेस लगा करके छोड़ देते, ध्यान। तो हमने बेटा इस टाइप के जो रिकरेंस रिलेशन वाले क्वेश्चन है उनमें हमने क्या सीखा है, सुनना एक लास्ट एंड फाइनल बार, फिर क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट। x1 मिलेगा, x2 हम निकाल लेंगे रिकरेंस रिलेशन से, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताने के लिए PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम अप्लाई करेंगे, तो हम XR-1 और XR के लिए बता देंगे, मतलब मान के चलेंगे, और XR और XR+1 के लिए हम प्रूफ कर देंगे, ये हमारा काम हुआ है PMI। तो हमारे पास में जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी है वो हो जाएगी, उसके बाद में हमें बाउंडेड बताना होगा उसको परिबद्ध, तो उसके लिए आपको 1 भी प्रतिशत मेहनत नहीं करनी है इस टाइप के क्वेश्चन में, ध्यान रखना हर क्वेश्चन का टाइप, उसकी प्रोसेसिंग, उसका मेथड अलग अलग है। रिकरेंस रिलेशन में अगर इंक्रीजिंग है तो आपको उसका पहला टर्म्स मिल रहा होगा, उसका अपर बाउंड जो होगा इसका नेक्स्ट इंटीजर लगा दीजिए आप, अगर ये 1/2 है तो 1 आ जाएगा, ये 3/2 है तो 2 आ जाएगा, ये 4/5 है जो भी है उससे नेक्स्ट इंटीजर आ जाएगा, उस पर इक्वल लगाना या नहीं लगाना वो बात मायने रखती है, हम लिमिट ज्ञात कर लेंगे आगे, अगर लिमिट की वैल्यू उसके इक्वल आएगी, जैसे इसमें 1 के इक्वल आ गई तो वह हमने लेस देन 1 लिया था पहले, बाद में वहां इक्वल भी लगा दिया, अब पहले मत लगाना, अगर मान लो लिमिट 1 के इक्वल नहीं आती फिर हमें वहां इक्वल को क्रॉस करना पड़ता, फिर वही बातचीत हो जाती, ठीक है। चले यहां से आगे चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास बड़ा इस टाइप के और क्वेश्चन है, x1 हमारे पास में गिवन है, xn +1 और xn में रिलेशन है, x1 हमारे पास में गिवन है, ये भैया xn और xn -1 में है, बात तो वही है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना, वही बिल्कुल डिट्टो तरीका है, n बराबर 1 लिखोगे यहां से, n बराबर 1 आप इसमें लिखोगे तो x2 मिलेगा, तो आपको x1 और x2 के लिए थोड़ा सा एहसास हो जाएगा कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, फिर हम मैथमेटिकल इंडक्शन इसमें अप्लाई करते हैं, तो हम XR और XR-1 के लिए मान लेंगे, फिर XR और XR+1 के लिए हम प्रूफ कर देंगे, तो हमारे पास में इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग हो जाएगी मोनोटोनिकली, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग हो जाएगी, जो भी है जैसा भी हो जाए। बाउंडेड के लिए हमें क्या बताना होगा, हमारे पास में जो अगर इंक्रीजिंग है तो जो पहला टर्म्स है उसका नेक्स्ट इंटीजर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, और लिमिट के लिए आप एल लीजिए दोनों को, लिमिट लगाइए, एल की वैल्यू निकालिए, अगर एल की वैल्यू अपर बाउंड की इक्वल आती है तो लेस देन एंड इक्वल लगा दीजिए, वहां नहीं आती है तो उसको वैसे के वैसे रहने दीजिए, इक्वल मत लगाइए, बात क्लियर। चले आराम से देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आराम से देखिए, इसको सब कुछ वही है,
ठीक है, तो हम इसको सोल्व कराने में इंटरेस्ट नहीं रख रहे आप। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है वैसे भी, इसका सेकंड देख लीजिएगा। हाँ, कोमल बेटा फर्स्ट की क्लास से अतिशीघ्र हो जाएंगी, ठीक है ना, हम बता देंगे आपके पास में बैनर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, अभी हम फर्स्ट ईयर के लिए किसी से कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम पहले क्या है कि ऑफलाइन ऑनलाइन किस तरह का, किस तरह से माहौल रहता है, हम पहले वो देख लेते हैं, ठीक है ना। शायद हम अतिशीघ्र आपको बता देंगे कि फर्स्ट ईयर क्लासेस कब से स्टार्ट हैं। अभी तो नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि रिवीजन क्लास चल रही है आपकी, उधर बीएससी सेकेंडरी क्लास चल रही है, नेट की क्लास चल रही है, तो बहुत समय हमारा जा रहा है उनमें। फिर हमारे पास, हम भी इंसान है भाई, मशीन तो है नहीं, अगर मशीन की तरह कार्य करेंगे तो आज पढ़ाएंगे कल रुक जाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, उसका दूसरा क्वेश्चन है x1 है और ये रिलेशन है। x2 के लिए आप n बराबर यहां पर क्या लिखे बेटा, 2 लिखना है। अगर मैं 1 लिखूंगा बेटा तो 1 माइनस 1 हमारे पास में 0 बन जाएगा, तो x0 तो होता भी नहीं है, तो 2 लिखेंगे, तो x2 माइनस 1 मतलब x1 मिला, x1 की वैल्यू हो रही। एक तो आपके पास में √2 है, एक आपके पास में √3 है, कौन बड़ा है? सीधी सी बात है सर जी, √3 बड़ा है ना, तो √3 ये हो गया, मतलब x2 ये हो गया, मतलब x2 ग्रेटर हो गया x1 से। तो हम xr-1 और xr के लिए मान लेते हैं, और इसके लिए हम प्रूव कर लेंगे फिर। क्लियर, चलिए आगे। तो कितने पेज हो गए बताइए? हाँ, बताइए बताइए बताइए। हाँ राकेश जी भी ढूंढ रहे हैं आजकल, राकेश जी मैथ सीख गए भैया, ध्यान रखना, कहीं मालूम चले अगले साल आप जीएन सर के पास नहीं, राकेश जी के पास पढ़ रहे हो। सुनिएगा, हाँ तो हमारे पास में ये सीक्वेंस है, वैसा का वैसा क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिए, वही आपके पास में रिलेशन है, ठीक है ना, xn+1 और xn में डिटो प्रोसेसिंग है। देख लीजिए आप लोग, x1 बराबर 1 है, xn+1 हमारे पास में ये है, n=1 पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा, ये प्लस माइनस जोड़ बाकी मुझे नहीं आती, आप देख लेना, तो x2 हमारे पास में ग्रेटर हो गई x1 से, 7/5 है। इसका मतलब हमारे पास में जो बेटा, यहां से मेरे पास में क्या आया कि x2 > x1 हो गया, मतलब थोड़ी सी झलक हमें मिली कि हमारे पास में जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है। हाँ जी बोलिएगा। ऐसी बात है क्या? हाँ जी चलिए यहां से, थोड़ा हमारे पास में xr, xr+1, -1 ये सब कुछ आपके नेत्रों के सामने है, बस सोल आपको करना है, मुझे तो आता भी नहीं है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गई। तो मेरे हिसाब से इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे आंखें बंद करके सोल्व हो जाना चाहिए, तो ये भी गया। चलिए यहां आते हैं, थ्योरम क्या है? थ्योरम है, देखिएगा आप लोगों, हाँ हमारी जो थ्योरम है वो क्या है, सुन लीजिएगा आप लोग यहां, कि हमारे पास में यदि एक्स एन जारी है, एक सीक्वेंस है एक्स एन, वो कन्वर्जेंट है, एक्स एन अभिसारी है तो अनुक्रम मोड एक्स एन भी अभिसारी होगी, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश वाले सुन लीजिएगा, इफ सीक्वेंस एक्स एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देन सीक्वेंस मोड एक्स एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट बट इट्स कन्वर्स नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना बेटा। एक बात सुन लीजिएगा, कब जब भी आपको इस टाइप का वर्ड दिखाई दे या मिले, इसका मतलब हमें एग्जाम्पल की आवश्यकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो चीज सही है उसके लिए प्रूफ देती है, जो गलत है उसके लिए एग्जाम्पल प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो हमारा क्या टारगेट है, सीक्वेंस एक्स एन को हम कन्वर्जेंट लेके चलेंगे, और हम बताएंगे कि जो मोड एक्स एन है वो भी कन्वर्जेंट है, सेकंड में कन्वर्स विलोम में बेटा
मोड एक्स एन हम लेके चलेंगे कि कन्वर्जेंट है, बताएंगे कि एक्स एन कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डायवर्जेंट भी हो सकते हैं, मतलब हमेशा ट्रू जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो सारी चीजें यहां है, माना एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है, तब हमें सिद्ध करना है कि मोड एक्स एन भी अभिसारी होगी। तो सबसे पहले हमने मोड एक्स एन को डिफाइन किया, मोड एक्स एन को परिभाषित किया, लेट एक्स एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देन वी प्रूव दैट मोड एक्स एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो हम सबसे पहले मोड एक्स एन को डिफाइन करते हैं बेटा, देख लीजिएगा आप लोग, मॉडुलस आपको पता है प्लस और माइनस, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो प्लस, लेस देन जीरो है तो माइनस, ठीक है ना। चले यहां से आगे, मोड एक्स हमने डिफाइन किया था कि ऐसा होगा, आप देख सकते हो। हमने क्या सीखा है, कोई भी सीक्वेंस हमारे पास में कन्वर्जेंट अगर हमें प्रूफ करना है, चाहे वो एक्स एन हो, मोड एक्स एन हो, मेरा नाम हो, आपका नाम हो, कुछ भी हो, उसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट मिल जाए, बस हम ये जानते हैं, ठीक है ना। बेटा इसमें हमारे पास में दो केस हैं, केस नंबर फर्स्ट, अगर हमारे पास में ग्रेटर देन एंड इक्वल जीरो है तो केस नंबर फर्स्ट लिया हमने, इसकी लिमिट निकाली बेटा, तो मोड एक्स एन की वैल्यू एक्स एन है तो एल आ गई। केस नंबर सेकंड लेंगे तो माइनस एल आ जाएगी, लेकिन है तो फाइनाइट ना हमारे पास में, तो हमारे पास में बेटा दोनों केस में हमारे पास में जो सिक्वेंस मोड एक्स एन है उसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट आ चुकी है। अगर उसकी लिमिट अगर हमारे पास में फाइनाइट है, इसका मतलब मोड एक्स एन वाली जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो चुकी, लेकिन कन्वर्ज नहीं होता, देख लीजिएगा। अगर हम लोग बेटा एग्जांपल लेते हैं, ऐसे ही हमारा मन कर रहा है कि माइनस वन की पावर एन, तो आपको पता है बेटा इसमें अगर हम सीक्वेंस बनाते हैं तो माइनस वन वन, माइनस वन वन, माइनस वन वन, आप इस पर लिमिट लगाओगे, इसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। लेकिन मैं अगर इसका मॉडुलस बना दूं तो इसके सभी टर्म्स वन 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 हो जाएंगे, इसका मतलब लिमिट मुझे फाइनाइट मिल जाएगी, बोले हाँ यार। तो इसका एग्जांपल शायद हमने यही दिया हुआ है यहां, यदि मोड एक्सएन एक अभिसारी अनुक्रम है तब एक्सएन अभिसारी है, आवश्यक नहीं है, उदाहरण ये हमारा पास मेरा यही हमने आपको दिया है अभी। चले बेटा मोड में तो सभी नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएंगे तो केवल हमें वन मिलेगा, लेकिन अगर सीक्वेंस की बात करें तो माइनस वन प्लस वन माइनस वन, क्या हुआ, हाँ कितने पेज हो गए एक बार आप हमें बता दीजिएगा, शायद 70% काम हो चुका है यूनिट का, नहीं रूम पे भी जाएंगे, मैडम इंतजार कर रही है हमारा ना, रूम पे भी जाएंगे भैया, हमारा कोई इंतजार नहीं कर रहा, हमारे केवल आप हो अभी समय के लिए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमारे लिए केवल आप हो, कोई इंतजार नहीं कर रहा हमारा, ठीक है ना। आपका कर रहा हो तो पता नहीं हमें, वो आप देख लीजिएगा, शायद खाना इंतजार कर रहा होगा, गांव में ऐसा होता है बेटा, गांव में ऐसा होता है, हम भी जब गांव जाते हैं तो हमारी जो मम्मी है वो 7 बजे बोलती है खाना खा ले, अब आपको पता है जयपुर में रहते हैं तो 11 बजे खाना खाते हैं, तो मान लो अगर मम्मी को गलती से ऐसे बोल दिया ना मुझे भूख नहीं है, तो पता है क्या बोलेगी, खाना है तो खा ले, नहीं तो फिर कल सुबह खाना, क्यों हम सोएंगे नहीं क्या, हमें काम नहीं है क्या, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं। अब गांव में बेटा इस टाइम थोड़ा सा समय और दीजिए आप हमें, 8 बजे तक अपने मम्मी पापा को कॉल करना, मेरे तो सो जाते हैं भैया, सीधी सी बात है मेरे सो जाते हैं, आपके पता नहीं, ठीक है। आप तो ये बताइए आपको कैसा फील हो रहा है, आपको लग रहा है ना कि वास्तव में रिविजन हो रहा है, आप ये बताइए। टाइम पास कौन है राकेश जी, राकेश जी बोल रहे टाइम पास तो नहीं हो रहा, टाइम पास थोड़ी ना हो रहा भैया, ये हमारे प्राण निकल रहे हैं, हाँ ये हमारे प्राण निकल रहे हैं, राकेश जी को लग रहा है टाइम पास हो रहा है, बोलिए लग रहा है रिविजन हो रहा है।
है ना, चलिएगा। बड़ा तो टाइप नंबर थर्ड आइए। बेटा हमारे पास में अभी तो कोशी सीक्वेंस और बची हुई है शायद इसमें, तो हम यहाँ तक अब गैप दे सकते हैं। वैसे अगर आप बोलो तो हम आगे चलें, मतलब कंटिन्यू करें आगे का समय। बोलिएगा जो भी आपकी इच्छा है। बेटा हम थकते नहीं हैं, सीधी सी बात है। वो कहते हैं ना कि बस आप हमसे 11 आवर्स खड़े रह के काम करवा सकते हो एक जगह। मैं पूरी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एक जगह खड़े होकर पढ़ा सकता हूँ। बस आगे वालों के ऊपर डिपेंड करती है बातें कि आगे वाले बच्चे क्या सोचते हैं जो सामने बैठे हैं। हाँ ठीक है ना, तो आज आप इतना एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब अगर गारंटी से कह रहा हूं, अगर आप लोग अगर इस वीडियो को एक बार और देख लोगे ना स्लो स्पीड में, तो आपको खुद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब जहां तक मैं सोचता हूं खुद के बारे में और आपके बारे में, जहां तक मैं सोचता हूं, बोले हाँ या ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे पता है आपको खुद को भी पढ़ना है, तो इतना समय आपके पास भी होना चाहिए। कल हम लोग इस यूनिट का समापन कर देंगे, यूनिट नंबर थर्ड। बेटा बहुत छोटी है, एक दिन में हो जाएगी। यूनिट नंबर फोर्थ बहुत छोटी है, रीमान इंटीग्रेशन एक दिन में हो जाएगी। यूनिट नंबर फिफ्थ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। बेटा जो पढ़ रहे हैं ना उसको वो थोड़ा सा सावधान रहना, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल पढ़ती है। ठीक है, उसके बाद में हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे आएंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल एनालिसिस पे आएंगे। हमारा शेड्यूल फिक्स है, आपके पास में बैनर आया होगा, तो उसमें जो टाइम था वो फिक्स है हमारा। एक दिन ऊपर या नीचे हो सकता है, बस ऊपर ही होगा, नीचे तो नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्जाम भी तो ऊपर हो गए ना 4 दिन, एक दिन हमें भी मिल सकता है ना। ठीक है ना, मेरी बात सुनिएगा। बड़ा यूनिट नंबर सेकंड में पूरे मिलेंगे, थर्ड में पूरे मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे, कुछ बचेगा तो मैं यहाँ बोल दूंगा आपको। मतलब अगर कुछ रह रहा है, कुछ भी अगर रह रहा होगा, तो मैं यहाँ पर आपको सिखा दूंगा, करवा दूंगा। यहाँ यूनिट नंबर सेकंड थर्ड में आपको 100% मिलेगा। अगर नोट्स में कुछ भी कमी हुई ना, कुछ भी हुई, तो हम यहाँ ला देंगे उसको। और वैसे ही मुझे लगता नहीं कि नोट्स में कमी हो, क्योंकि 8 क्वेश्चन आएंगे, 5 आंखें बंद करके मिलेंगे आपको, आंखें बंद करके सोल्व करना। लेकिन ध्यान रखना रियल के पेपर में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक काम करना, क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज होके भी आती है। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का बेटा आप देख लीजिए, अगर सिलेबस मैच हो रहा है तो बेशक मिलेगा, 101% मिलेगा, 101%। हाँ और एक बात सुन लीजिएगा, आपके जितने भी साथी सहपाठी मित्र सका सके जो भी है सबको बोल देना, ठीक है ना, हम पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। 99.99%, 100% हम नहीं बोल रहे हैं यहाँ। और अगर देखिए मेरी बात सुन लीजिएगा, उम्मीद है शायद आपको लगा होगा कि मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, उम्मीद है, वरना मुझे रिवीजन करवाने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे स्टूडेंट तो मतलब आप लोग तो अब भी बोल रहे हो कि सर जी, बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर जी क्या रिवीजन, हम तो वैसे आपने पहले बहुत अच्छा पढ़ाया है। लेकिन रिवीजन, ये बात मैंने आपको बेटा पहले ही बोली थी मार्च अप्रैल में, याद करो कि मैं ऐसी क्लास ही दूंगा आपको 3 साढ़े 3 आवर्स की, उसमें यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इससे क्या होता है, एग्जाम से एक दिन पहले रात में आप उनको देख लीजिएगा, सब कुछ आपके आंखों के सामने आ जाएगा। अच्छा तो ऐसा ऐसा सर ने कहानी भी सुनाई थी 3 साढ़े 3 आवर्स में। ठीक है ना, बाय, कल मिलते हैं। ठीक है, कल इसी जोश के साथ रहना, हम तो इसी के साथ रहेंगे और आप जानते भी होंगे इसी के साथ रहते हैं। और चेहरे पर स्माइल जरूर होनी चाहिए, इसके बगैर कुछ नहीं है भैया। यहाँ पहले बोल देता हूँ मैं, अगर चेहरे पर स्माइल है ना, आपका दुश्मन केवल आपकी स्माइल देख करके घबरा जाएगा, सुसाइड कर लेगा बेचारा। पढ़ाई 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 करिए बस, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाई 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 करते रहो आप 24 घंटे, ऐसा
ऐसा भी मत करना ना, सो भी लेना थोड़ा सा, दो चार तो सर हम सोते ही हैं, पढ़ते थोड़ी ना। ठीक है, कल मिलते हैं।